तो चलिए ठीक है, बात करते हैं एक एक टॉपिक पे। एक होता है तल, एक होता है तलखंड। तल और तलखंड, ध्यान देना दोनों में अंतर होता है। साथियों, सबसे पहले हम तल के बारे में नहीं बल्कि तलखंड के बारे में बात करें, तब आपको बेहतर समझ में आएगा। जैसे अगर हम बात करें, ये एक व्हाइट बोर्ड जो आप देख रहे हो, तो ये क्या एक तलखंड है। तलखंड है क्योंकि इसके निश्चित छोर हैं, यानी स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट आपको दिख रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको एक कॉपी या किताब दिखाऊं, कोई चीज, रुकना थोड़ा सा, तो उसमें देखिए एक निश्चित जगह पर वो खत्म हो रहा है ना। एक मिनट रुकना, मैं दिखा देता हूँ। थोड़ा सा रुकना, मैं दिखाता हूँ। कहाँ गया भाई? ठीक है, आप देखो यहाँ पे, ये जैसे कॉपी है ना, इसमें अगर आप देखिए तो एक निश्चित जगह पे ये खत्म है, यानी इसकी एक लंबाई है। नहीं दिख रहा है, एक मिनट, हट जा भाई। देखो, इसकी एक लंबाई है, एक चौड़ाई है, निश्चित है। जो भी है, इतना दूर में आपको दिख रहा है ना भाई। ये इन खान साहब को ब्लॉक करो, तुम तो, ये तो मारे एकदम गंद मचा दी, इन्हें ब्लॉक करो फट से। देख रहे हो ना, इसका एक निश्चित लंबाई चौड़ाई है, एरिया सब कुछ है। ये क्या है? तलखंड है, एक प्रकार से हम कह सकते हैं इसे। जैसे व्हाइट बोर्ड हो गया जिसपे हम लोग लिखते हैं, ये भी क्या एक प्रकार से तलखंड है। आपके घर में दीवाल है, दीवाल भाई हवा में तो रुके नहीं हो, आप लोग जमीन पे टिके हो। घर होगा, कमरा होगा, चाहे अपना होगा, चाहे मम्मी पापा का होगा, किसी का भी होगा, है, चारों तरफ दीवाल बनी है। दीवाल क्या है? एक तलखंड कह सकते हैं, क्योंकि उसका एक अंत और स्टार्टिंग दोनों दिख रहा है। समझ रहे हो ना आप लोग? लेकिन तल क्या है? भाई टॉपिक दिखाइए, एक मिनट, स्क्रीन पर देखिए, ध्यान दीजिए। हम बात कर रहे हैं दो टॉपिक के बारे में, जो ऊपर लिखा है आपका, ए तल और बी तलखंड। पहले समझ लीजिए, फिर आप लिख भी सकते हैं, ठीक है? तलखंड मतलब बॉटम ब्लॉक, थोड़ा गंदा लिखा है लेकिन समझना। देखिए साथियों, तल जो है एक प्रकार से, आप जैसे धरातल सुने हैं, धरातल, धरती का तल। अब बताइए, क्या इसमें से कोई जानता है कि धरती कहाँ से शुरू हुई, कहाँ पे खत्म है? कोई है, कोई महान आत्मा है इसमें जो देखा हो कि धरती भैया फलाने जगह शुरू हुई है, फलाने के मेढक जगह खत्म ही है? नहीं ना, आप कह सकते हैं तल का एग्जाम्पल में धरती आप समझ सकते हैं, ठीक है? यानी एक ऐसा तल जिसका मतलब, तल क्या बोलेंगे इसे, एक ऐसा सरफेस, एक ऐसा आकार, इसको अगर लिखवाएं ज्यादा बेहतर रहेगा। आप केवल समझिए बातों को एग्जाम्पल से, इनको अपनी भाषा के रूप में आप लिख सकते हैं। समझ रहे हैं ना? अपनी भाषा के रूप में आप लिख सकते हैं। तो आप कुल मिला के मतलब समझ गए, अभी मैं डेफिनेशन लिखवाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। जैसे कोई भी निश्चित जिसकी स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट है, जैसे दीवार हो गया, व्हाइट बोर्ड हो गया, आपका टेबल हो गया, मेज वगैरह हो गया, जो ये सारी चीजें क्या है, एक तलखंड का एग्जाम्पल है। क्या है? बॉटम ब्लॉक का है, लेकिन तल में जैसे धरातल, धरती का सरफेस, ठीक है? एक मिनट थोड़ा सा रुकना। हाँ ओके ओके, रुकिए थोड़ा सा, एक मिनट बताइए। सुन पा रहे हैं आप लोग भाई? चलें, ठीक है। सिराज, बहुत टाइम लेते हैं भैया, निवेदन है आपसे कि आप पहले हमें समझिए, क्लास बाद में, ठीक है? क्योंकि हमें बहुत कम लोग समझ पाते हैं, ठीक
हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि पढ़ 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 बोलते चले जाओ, किसी को पल्ले पड़े या ना पड़े। हमारी कोशिश है हर किसी को समझ में आना चाहिए। हम एक ही टॉपिक पढ़ाएंगे लेकिन हर किसी के दिमाग में घुस जाए, ठीक है। चलिए भाई, इनको भी यहाँ से विदा करिए, जबरदस्ती नहीं है, बांध के नहीं रखा जाता बाबू, ठीक है। आप जा सकते हो, बड़े प्यार से आप जाओ। चलो, जिनको पढ़ना है सीखना है सिर्फ वही रहेंगे। हाँ, तो तल के बारे में मैंने बताया, टॉपिक है पहला तल, तलखंड, बिंदु और प्रतिच्छेदन बिंदु रेखा। तो सबसे पहले मैंने बताया, जैसे कि आपको जैसे दीवार, व्हाइट बोर्ड वगैरह हो गया, ये सारे हैं, मतलब एक प्रकार से जिनकी क्या होती हैं, सीमाएं होती हैं, ठीक है। कमरे की दीवार को तल कहा जा सकता है, कमरे की दीवार को तल, सॉरी, तलखंड कहा जा सकता है, क्योंकि उसकी सीमाएं होती हैं। ये आपका हो गया तलखंड, ठीक है। अगला जो तल वाला है, कल्पना करें, तल वाला देख लीजिए, कल्पना करें कि यदि दीवार, व्हाइट बोर्ड या मेज, इनके जो सरफेस हैं, तल हैं, उनकी कोई सीमा ना हो, हाँ, तो उसे तल कहा जा सकता है, यानी बॉटम कहा जा सकता है। वैसे ये कहीं पूछा नहीं जाएगा इस तरह से, आप समझ रहे हो ना, इस तरह से कहीं पूछा नहीं जाएगा लिखने के लिए, सिर्फ आपको समझना है। अगला पॉइंट है बिंदु। क्या है बिंदु? ये सब पॉइंट बड़े खतरनाक खतरनाक हैं, इसलिए नहीं समझ में आ रहे हैं। अगला है बिंदु, ये बिंदु मत लिखना, बिंदु किसी का नाम हो जाएगा, ठीक है, सिर्फ बिंदु लिखना है। तल में आप लिख सकते हो धरातल, एग्जाम्पल के लिए धरती, इसी में तलखंड में आप लिख सकते हो मेज, दीवाल, व्हाइट बोर्ड, तलखंड में, इसमें उदाहरण में आप लिख सकते हो, वगैरह वगैरह, जिनकी कुछ सीमाएं होती हैं। मतलब मैं स्टार्टिंग में बताया, बहुत बार नहीं बताऊंगा। चलो, बिंदु क्या होता है भाई, पॉइंट क्या होता है, इसकी कई परिभाषाएं हो सकती हैं, इसकी कई परिभाषाएं हो सकती हैं बिंदु की, पॉइंट की, सुन लीजिए। विज्ञान में देखिए, विज्ञान में वो आकृति जिसकी कोई छाया ना हो वो बिंदु कहलाती है। विज्ञान में आप कहोगे गणित पढ़ा रहे हो तो विज्ञान की बात काहे कर रहे हो, सुन लीजिए। विज्ञान में एक ऐसा आकृति जिसकी कोई छाया ना हो, भाई अगर हम खड़े हैं ऊपर से अगर धूप आएगी तो परछाई बनती ना, बताइए, अगर धूप में ऐसे हाथ करेंगे, इधर से सूरज जी निकले हुए हैं तो परछाई बनती है ना, छाया बनती ना। लेकिन एक पॉइंट, एक बिंदु जो है, उसकी कोई छाया नहीं बनती, ठीक है। इसकी एक परिभाषा ऐसे भी कही जा सकती है, यदि एक ऐसी आकृति जिसकी कोई बीमा ना हो, यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ना हो, वो बिंदु कहलाती है, ठीक है। एक ऐसी आकृति जिसकी ना तो लंबाई हो, ना चौड़ाई हो, और ना ही ऊंचाई हो, वो बिंदु कहलाती है। उदाहरण, ये बिंदु यही है, फिगर यही है, कुछ लोग को तो दिखाई ना पड़ रहा होगा, ये मैंने रखा ना, ये बिंदु है, पॉइंट, समझ रहे हो ना आप लोग भाई। हैदर अली समझ में आ रहा है, पंकज गौतम आ रहा है ना, तो फिर से सुन लीजिए। बिंदु क्या है? एक ऐसी आकृति जिसकी कोई बीमा नहीं होती है। बीमा मतलब, जो लोग इंटर में पढ़े हैं उन्हें मालूम होगा, बीमा निकालते थे वहां पर, हा? लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, यानी इसमें यही सब शामिल है। बीमा का मतलब आप इतना लंबाई चौड़ाई ऊंचाई समझ लो बस। तो आप लोग क्या इनको लिखना भी चाहेंगे? सिर्फ समझ लीजिए बस, बाकी मुझे नहीं लगता कहीं ये पूछा जाएगा, लेकिन समझना जरूरी है, क्योंकि इसको समझे नहीं रहेंगे तो आगे क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, ठीक है। अगला क्या है? प्रतिच्छेदन बिंदु। क्या है प्रतिच्छेदन बिंदु? पहले तो सभी लोग ये बताइए, आपने तल का नहीं लिखा है, तल का कहीं नहीं लिखा, मतलब मैंने लिखा तो किसी का नहीं है, तल का मैंने बताया नहीं कि कमरे की वो जो, सॉरी, कल्पना करें कि यदि दीवार, छत, मेज आदि की कोई सीमा ना हो, आदि की कोई सीमाएं ना हो, तो उन्हें तल कहा जा सकता है। उदाहरण के लिए धरती, पृथ्वी, ठीक है। अगला है प्रतिच्छेदन बिंदु। क्या है प्रतिच्छेदन बिंदु? थोड़ा सा रुकना, मैं दिखाता हूँ ये भी प्रतिच्छेदन बिंदु। इसमें एक टॉपिक और भी है इसके बाद में। जिसे इंग्लिश में इंटरसेक्शन पॉइंट कहा जाता है, वो बिंदु जिससे होकर दो या दो से अधिक रेखाएं जाती हैं, वो प्रतिच्छेदन बिंदु कहलाता है, ठीक है।
प्रतिच्छेदन बिंदु यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, आप जरा ध्यान देना, प्रतिच्छेदन बिंदु, एक ऐसा बिंदु जिससे होकर के दो या दो से अधिक रेखाएं जाती हैं वो क्या कहलाता है? प्रतिच्छेदन बिंदु कहलाता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आप देख लीजिए यहाँ पर। जैसे अगर मैंने एक लाइन ऐसे खींचा, एक ऐसे खींचा, ऐसे ऐसे, तो ये जो पॉइंट है इसका नाम अगर ओ दिया जाए तो यहाँ पर ओ क्या है? प्रतिच्छेदन बिंदु है, इंटरसेक्शन पॉइंट है। समझ रहे हो ना सभी? देखिए समझने वाली चीजें हैं, सभी को नहीं समझ में आएंगी। जो सिर्फ सीखने वाले हैं, ईमानदारी से बैठेंगे, उन्हीं को आएगा समझ में। जो सिर्फ मजा लेने के लिए आए वो नहीं पढ़ पाएंगे, और एग्जाम्पल अगर नहीं समझे रहेंगे परीक्षा में इनमें से कुछ ना कुछ जरूर आएगा। अगर पूछ लिया कि बिंदु की परिभाषा लिखिए तो वही मुंह बना दोगे आई थे कोका कोला जैसे। हाँ, समझ रहे हो ना? इसलिए मैथ है ये, दिमाग मांगती है। कुछ लोग के पास तो बहुत दिमाग होता है लेकिन गलत दिशा में खूब प्रयोग करते हैं, सही दिशा में नहीं लगाते हैं कभी। ऐसे एक आध दो लोग हमारे भी संपर्क में। अगला है रेखा और रेखाखंड। रेखा क्या होती है आप जानते हो? भाई कितने लोग जानते हैं रेखा? हाथ उठाओ जल्दी फटाफट। शुभम कुमार, मानव सेवा संधान, बहुत दूर से दिख रहा है। बिल्कुल दिव्या जी, आपने सही कहा। पेंसिल से या पेन से दबाने पर जो चिन्ह अंकित हो जाता है उसे भी बिंदु कहा जाता है, बिल्कुल सही। तो रेखा क्या होती है? देखिए दो बिंदुओं को, जैसे मैंने यहाँ पर एक बिंदु रखा, अब भाई कहाँ पे लिखूं, क्या दिख रहा है? ठीक है, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है। हाँ, दो बिंदुओं को ये मिलाने पर बनने वाली आकृति रेखा कहलाती है। आप ऐसे कह सकते हो, दो बिंदुओं को मिलाने पर बनने वाली आकृति क्या कहलाती है? रेखा कहलाती है। अर्थात एक रेखा या सरल रेखा बिंदुओं का एक समुच्चय होता है। समझ में आया ना? तो ये आप रेखा तक समझ गए। रेखाखंड के बारे में हम बात करेंगे, लाइन सेगमेंट। हाँ, नीचे लिख दीजिए रेखा में, इसे प्रायः एल एम, एल कामा एम कामा एन, एल फॉर लायन, एम फॉर मंकी, एन फॉर न्यू, ठीक है, से प्रदर्शित किया जाता है। ये फार फार जो मैंने बताया ना, यल फार, यन फार, यम फार, ये समझने के लिए बताया, इसको लिखना नहीं है। आज की क्लास समझने के लिए ज्यादा है, लिखने के लिए कम है, क्योंकि यहां पर समझने वाली बातें होंगी, यहां पर लिखना नहीं आज ज्यादा। जो कमेंट के पीछे पड़े हैं मैं कमेंट नहीं पढ़ने वाला हूँ, देख सबका रहा हूं, लेकिन जो सिर्फ पढ़ने वाले हैं उन्हीं के लिए अच्छा है। ठीक है, हाँ डीएलएड का है ये, मनीष जी, मनीष पांडे, बिल्कुल डीएलएड है, बीटीसी के है। वैसे तो ये सबके लिए है क्योंकि कॉन्सेप्ट है इसमें। रेखाखंड क्या होता भैया? रेखाखंड, जैसे मैंने अभी कहा तलखंड, तल और खंड मतलब तलखंड, वैसे रेखा और खंड रेखाखंड, ये कहते ना खंड खंड कर दिए भाई, पेन को तोड़ के दो खंड कर दिए। खंड मतलब एक प्रकार से भाग हो गया, पार्ट हो गया, समझ रहे हो ना? हाँ, आ रहा समझ में? लर्न विथ कृष्णा, काय को बे डंडा किया, बिना मतलब का दिमाग का दही बना के रखा है, ब्लॉक करो इसको फटाफट, पढ़ना लिखना है नहीं। हाँ, ये पिल्ले पिल्ले भर के आके क्लास में गंदगी मचा देते हैं, इनको पढ़ना नहीं है ना। ये हो गया, ठीक है। तो रेखाखंड क्या होता है? देखिए अगर कोई रेखा खींचा है ऐसे, समझिए यहां पर कोई रेखा अगर ऐसे खींचा है, मान लेते हैं कि इसका नाम हमने एल और यम लिखा, जो भी है 1 to 12, अगर इसके एक भाग को काट दिया जाए, रेखा एल और यम के एक पार्ट को काट के निकाल लिया जाए, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि हम इसको यहां से काट दिए यहां से, और इनके भागों के नाम ए बी लिख दिए, तो इसमें जो ए बी है वो क्या है? रेखाखंड है, लाइन सेगमेंट है। समझ में आया ना सभी को?
लाइन सेगमेंट समझ में आया? एल एम क्या है? एक रेखा है, लेकिन ए बी उसमें से काटा हुआ एक भाग है, तो ये क्या है? लाइन सेगमेंट है, रेखाखंड है। रेखा का एक पार्ट एक प्रकार से क्या होता है? रेखाखंड कहलाता है। ठीक है, समझ गए ना सभी? तो ठीक है, बस इतना ही था इस जो टॉपिक में था, बाकी आगे की बातें आपको दिखाते हैं। आगे क्या क्या है इसमें, एक मिनट रुकना। नेहा मिश्रा जी कुछ समझ में आ रहा है? पंकज गौतम, योगेंद्र सिंह आ रहे ना? चलिए अगला तस्वीर दिखाइए भाई। ये हिंदी इंग्लिश दोनों में है जो कहानी है, ध्यान से देखिए, प्यार से देखिए, मगर प्यार से मतलब बोर्ड देखिए। अगला है लाइन, यानी अभी आपने लाइन के बारे में पढ़ा, अब पढ़ेंगे टाइप ऑफ लाइंस। लाइन कितने प्रकार की होती है, क्या आपने कभी सुना है? यानी रेखाएं जो होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं? बहुत प्रकार की रेखाएं होती हैं। पहला है कर्व्ड लाइन, ठीक है, या फिर आप ऊपर हेडिंग डाल सकते हैं रेखाओं के प्रकार। समझने के लिए ये क्लास है आज, जो समझने वाले हैं उनके लिए है, जिनको भगवान पहले से ही गदाहक बाप बना के भेजे हैं उनकी बात ही अलग है। रेखाओं के प्रकार, यहाँ पर हम मुख्यतः छह प्रकार की रेखाओं के बारे में बात करेंगे, सिक्स टाइप ऑफ लाइंस। पहला है कर्व्ड लाइन, ठीक है, कर्व्ड लाइन मतलब वक्र रेखा, ठीक है। पहला क्या है? वक्र रेखा। आपने सुना है कभी कहते हैं कर्व बनाइए? जो लोग इंटरमीडिएट में अगर मैथमेटिक्स पढ़े थे सौभाग्य से बारहवीं में, तो उन्होंने बहुत सारे कर्व बनाए होंगे, अवकलन समाकलन अगर उन्होंने पढ़ा होगा, या फिर उन्होंने अगर फिजिक्स पढ़ा होगा तो देखा होगा। तो कर्व रेखा का मतलब ये ऐसे जो टेढ़ी मेढ़ी ऐसे वैसे जाती है, जानते हो कि नहीं, ऐसे ऐसे, हाँ, ये क्या है? कर्व रेखाएं हैं। आप कहोगे ये रेखा है कि भारत का नक्शा बना रहे हो? नहीं, भारत तो बहुत बड़ा है। ये कर्व रेखा का मतलब ऐसे जो टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं होती है, समझ रहे हो ना? इसका डेफिनेशन मैं बता देता हूं, मतलब समझाने को मैं समझा सकता हूं, लेकिन परिभाषा आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। दो बिंदुओं को वक्र रूप में मिलाने पर जो रेखाएं बनती हैं उन्हें वक्र रेखा या कर्व रेखा कहते हैं। ये तो मैं दो तीन एग्जांपल बताया, इन्हें थोड़ा प्यार से भी खींचा जा सकता है ऐसे, इन्हें भी कर्व रेखा कहेंगे। हाँ, वक्र रेखाएं दो तरह की होती हैं, एक क्लोज्ड कर्व होता है, एक ओपन कर्व होता है। क्लोज्ड कर्व का मतलब वो कि रेखा जहां से शुरू हुई है वहीं पर आकर खत्म होगा। जैसे क्लोज्ड कर्व की बात करें तो ऐसे ये क्लोज्ड कर्व है, देखो बंद है, इसमें कोई घुस नहीं सकता अगल बगल से, समझ रहे हो ना? और ओपन कर्व की बात करें तो ऐसे, ये शुरू कहीं और से हुआ, खत्म कहीं और हुआ है, समझ रहे हो ना? शुरू कहीं और से हुआ, खत्म कहीं और हुआ है, लेकिन क्लोज्ड कर्व की बात करें तो जहां उसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट दोनों एक ही होता है। कृष्णा सिंह जी, आपके जैसे जिनके भी सवाल हैं, आप PBR स्टडी ऐप डाउनलोड करिए और उसमें जा करके आप कोर्स को बिल्कुल अच्छी तरीके से ज्वाइन करके और पढ़ना शुरू कर दीजिए, ईमानदारी से पढ़िए भाई। देखिए, मेहनत अगर आप करेंगे तो मैथमेटिक्स में हम पूरे पूर्णांक लाने की गारंटी लेते हैं, DLED में 25 में 25, 100%, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा, क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे, हाँ, चैटिंग गपशप और इधर उधर की गपशप छोड़ के पढ़ाई में दिमाग लगाना पड़ेगा, ताकि वो सब छोड़ना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी करना पड़ेगा। क्यों, आवाज आनी बंद हो गई क्या? सबको आ रही रोशनी कुमारी, कान में थोड़ा तेल और डाल लीजिए, हो सकता मिट्टी उट्टी घुस गई हो, बंद हो गया हो, ना सुनाई पड़ रहा हो। तो वक्र रेखाएं आपने सीख लिया, समझ लिया क्या होती हैं। अगला है पैरेलल रेखाएं, ई नंबर आप स्क्रीन पे देखिए, पैरेलल रेखाएं यानी समांतर रेखाएं क्या होती हैं?
समांतर का मतलब ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे के बगल बगल चलती हैं, ऐसे बगल बगल। छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ, बाकी लोग छोड़ देते हैं वो अलग बात है। देखो समझो कैसे मैं कहना क्या चाहता हूँ। ये इसका एग्जाम्पल सबसे अच्छा रेल की पटरी है। रेल की पटरी एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ती, जहां से शुरू होती वहां तक जाती साथ साथ। ऐसा नहीं कि वो इधर को जा रही उधर को भाग गई, एक दूसरे से बराबर दूरी पर हमेशा रहती है। समझ रहे ना आप? समांतर रेखाओं का उदाहरण आप रेल की पटरी देख सकते हैं। आपके घर में अगर थोड़ा आप गरीब टाइप के हैं हम लोग जैसे, तो सीढ़ी छत पे चढ़ने के लिए लगाई जाती है, देखें एक नहीं, अरे दोनों तरफ बांस लगा होता, बीच में डंडे डंडे ऐसे लगे होते हैं, तो वो डंडे भी आपस में समांतर होते हैं। समझ रहे ना? निक्की शर्मा, नेहा रावत, नेहा मिश्रा, नेहा गौतम, शुभम, ऋषि। तो समांतर रेखा भी आप समझ गए, यानी यहां हम कह सकते हैं कि अगर इनके नाम हम ए बी दे दें और इनका नाम हम सी डी लिख दें, तो ए बी और सी डी दोनों रेखाएं क्या हैं? समांतर हैं। क्या है ये? पैरेलल है। ठीक है, अगला सी नंबर है परपेंडिकुलर लाइंस, यानी लंब रेखाएं। भाई ये कौन सी मुसीबत का नाम है? लंब रेखाएं क्या है? इसी का जस्ट उल्टा, एक दूसरे के ऊपर पटक उठती हैं, यानी ऐसी सरल रेखाएं जो परस्पर समकोण पर प्रतिच्छेदित करती हैं, अर्थात प्रतिच्छेदन बिंदु उनका मध्य समकोण होता है। यानी अगर हम बात करें, ये जैसे एक रेखा ये हो गई, एक थी इधर से गई, दोनों आपस में टकरा गई कटाक दे, तो इस पे क्या बनेगा? इस पे 90 अंश का कोण बनेगा, इधर 90 का इधर भी बनेगा। अगर हम इसका नाम ए बी दे दें और इसका नाम सी डी, तो ये कुछ ऐसे बनेगी। समझ रहे ना आप लोग? ऐसी रेखाएं, इसको भी आप लिख सकते हैं, ऐसी सरल रेखाएं जो परस्पर समकोण पर प्रतिच्छेदित करती हैं, अर्थात अर्थात प्रतिच्छेदन बिंदु पर उनके मध्य कोण होते हैं। प्रतिच्छेदन बिंदु पर उनके मध्य कोण होते हैं, वो लंब रेखाएं परपेंडिकुलर लाइंस कहलाती हैं। सभी को समझ में आ रहा है? ये थोड़ा बहुत दिमाग में घुस रहा है कि नहीं, बुझा रहा है कि नहीं? भाई लिखते जाइए फटाफट, लिखते जाइए भाई। कॉमेडी मौज वाले भी आए हैं कि नहीं? समझ गए होंगे मैं जिनको बोला। नहीं है? नहीं आएंगे क्यों? चलिए, पढ़ने लिखने से कोई मतलब ही नहीं है। अगला है डी नंबर है, मतलब कुछ चीज कभी कभी अविश्वसनीय भी हो जाता है। डी नंबर है इंटरसेक्टिंग लाइंस, यानी इंटरसेक्टिंग लाइंस मतलब, ये गलत देखो लिख गया ना, प्रतिच्छेदी रेखाएं। ये जो नीचे लिखा है ई नंबर पे, उसकी हिंदी गलत है, संग्रामी नहीं वो संगामी है। ठीक है, तो डी नंबर आप देखिए, इंटरसेक्टिंग लाइंस प्रतिच्छेदी रेखाएं। इसमें से कितने लोग हैं जो प्रतिच्छेदी रेखाएं समझते हैं, जानते हैं पहले से? कितने लोग हैं बताइए? प्रतिच्छेदी रेखाएं, देखिए रेखाएं कई तरह की होती हैं, जैसे इंसान कई तरह के होते हैं, वैसे रेखाएं भी कई तरह की होती है ना, जानते हैं आप लोग? चलिए कोशिश करिए, एक समतल में दो विभिन्न रेखाएं जो एक दूसरे को क्या करती हैं, ऐसे एक ठी इधर को जा रही, एक ठी इधर को जा रही, एक दूसरे को आपस में काट रही। इनको इंग्लिश में, सॉरी मैथमेटिक्स में काटना नहीं बोलते हैं, काटना एक गड़बड़ लैंग्वेज है, प्रतिच्छेदी मतलब प्रतिच्छेदन करना बोलते हैं इसे, इंटरसेक्टिंग लाइन है। और ये क्या है? प्रतिच्छेदन बिंदु है। ठीक है, प्रतिच्छेदन बिंदु, इसको इंग्लिश में पता नहीं क्या बोलते हैं, अजीब टाइप का, देखो कहीं मिल जाए तो मैं बता देता हूँ।
प्रतिच्छेदन बिंदु मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरसेक्शन पॉइंट। और इन लाइंस को क्या बोलते हैं? इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन नहीं बोलते, इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं। हिंदी थोड़ा सही है, इंग्लिश थोड़ा गड़बड़ है। ये क्या है? इंटरसेक्टिंग लाइन है और ये इंटरसेक्शन पॉइंट है। समझ में आ रहा कि नहीं? अर्चना देवी, नहीं मालूम है? मालूम हो जाएगा क्लास में अगर रेगुलर आएंगे तो। तो लिख लीजिए आप लोग, इनको बना लीजिए फटाफट। चलिए जल्दी बनाइए, जल्दी जल्दी से बना लीजिए। इनको समझ सकते हैं आप, इनको याद नहीं कर सकते हैं, लिख नहीं सकते हैं, ठीक है? हो गया। अगला है संगामी रेखाएं, कंकरिंग लाइंस। संगामी रेखाएं जरा ध्यान से देखना, ये भाई संगामी रेखाएं कौन से जानवर का नाम है, समझना। इसकी हिंदी थोड़ा सा गलत लिखी गई है, जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है वो संग्रामी नहीं है, संगामी है, ऐसे है संगामी। भाई हिंदी तो थोड़ा लिखना सही सीख लो, नकल वाले अच्छी नहीं है, रुक जाओ। संगामी रेखाएं, ये कौन सी रेखाएं हैं, इसमें से कितने लोग जानते हैं? सुभाष, मनोज, रोशनी, शिवानी ठाकुर, हाँ बताइए। संगामी रेखाएं, कंकरिंग लाइंस आप लोग जानते हैं, बोलिए। ये जैसे अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में कुछ और बताया था, प्रतिच्छेदन बिंदु बताया था ना, बिल्कुल वैसे ही होती है। संगामी रेखाएं का मतलब बस बिल्कुल वैसे ही होता है, यानी एक ही तल पर स्थित वे सभी रेखाएं जो एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेदन करें, समझ रहे हो ना, एक ही तल में स्थित वे सभी रेखाएं जो एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेदन करें। जैसे अगर ये रेखा है ऐसे, ये रेखा है और ये है, ए भाई ये गलत है, ये देखो थोड़ा सा बगल से निकल गई ना, ये ज्यादा चालाक बन रही है, ये इस पे से ही होके जाना चाहिए ऐसे। ये अगर आप यहां पर ध्यान दीजिए, ये थोड़ा मैं खिसका के इधर कर देता हूं, तो ये सभी एक ही जगह इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो जितनी रेखाएं हैं यहाँ पर, जिनके नाम कुछ भी आप लिख सकते हो, मान लो इनके यक्स वाई नाम रख दिया, इनके जेड वन और जेड टू नाम रख दिया, इनके पी क्यू नाम रख दिया, तो ये सभी रेखाएं क्या हैं? संगामी रेखाएं हैं, कंकरिंग लाइंस हैं। फटाफट करिए। पूजा गुप्ता जी, देखिए नीचे नंबर चल रहा है, आप उन पे दिन में मैसेज करिए, हाँ, या कॉल करिए, नंबर नोट करके रख लीजिए, आपकी जो भी इंक्वायरी है सब बताया जाएगा। माफी चाहते हैं यहाँ पर नहीं हो सकता सारी जानकारी, क्योंकि डिटेल में बताएंगे टाइम लंबा जाएगा। फटाफट लिखिए, मिटाता हूँ, चलो हो गया, ये समझ गए। अगला है तिर्यक रेखाएं, डायगोनल लाइन, आप लोगों ने सुना होगा, एफ नंबर पॉइंट, देखिए ध्यान दीजिए, एफ नंबर पॉइंट, कंकरिंग के बाद में आप देखिए डायगोनल लाइन। अच्छा ये बताइए, सबको स्क्रीन तो क्लियर दिख रही ना एकदम, सभी जल्दी से बोलेंगे यस 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 यस। जिनका इंटरनेट थोड़ा धीमा होगा उन्हें थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी, इंटरनेट जिनका धीमा होगा, अगर आपका इंटरनेट धीमा है तो क्वालिटी को ऑटोमेटिक नहीं, उसको मैनुअली कर लीजिए 420 पर या 360 पर। प्रीति, फिजा खान, शिवान, दिव्या, प्रिया, अखिलेश, ठीक है, कुछ लोग तो यहाँ फालतू टाइम बर्बाद कर रहे हैं बिना मतलब के, पढ़ वढ़ लीजिए जाके, अपना भी पढ़ लीजिए। तो ये तिर्यक रेखा भी बचा है, एक वह रेखा जो दो या दो से अधिक रेखाओं को काटे वो तिर्यक रेखा कहलाती है।
वो रेखा जो दो या दो से अधिक रेखाओं को काटे वो तिर्यक रेखा कहलाती है। मतलब एक ऐसी होती है जैसे दो लोग खुशी खुशी हैं आपस में, हाँ, तो उनको उनकी खुशी बर्दाश्त नहीं होती है, दोनों की जाके बीच में खलल डाल देते हैं, कुछ वैसे होते हैं। जैसे अगर ये दो रेखाएं हैं ना, इन पे अगर एक रेखा ऐसे खींची जाए तो ये डायगोनल लाइन कहलाती है। समझ में आया ना? सरवन गोस्वामी जी, बिल्कुल, बहुत लकी हैं, आपका नाम बहुत अच्छा है, सरवन जो नाम है, मैंने कल भी ये बताया था ना आपको। समझ गए ना आप? तिर्यक रेखाएं, वो रेखा जो दो या दो से अधिक रेखाओं को काटती है वो क्या कहलाती है? तिर्यक रेखा कहलाती है। इसमें अगर हम बात करें, अगर इनके नाम पी और क्यू रख दें तो पी क्यू क्या है? डायगोनल लाइन है। क्या है ये? तिर्यक रेखा है। समझ रहे ना आप लोग? देखिए, आप लोगों से एक शिकवा शिकायत है, मैंने पहले ही कहा था ना कि दिल तो पहले से टूटा, चटनी ना बनाओ, लेकिन आप लोग चटनी बनाने पे तुले हो। चटनी बनाने का मतलब ये है कि आप लोग क्लास शेयर नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते हैं, छात्रों की संख्या 100 के ऊपर कभी नहीं जाती है, ये बहुत दुखद बात है, इसलिए क्लास को हम ज़्यादा बड़ी नहीं चलाएंगे। आप लोग शर्माते हैं, शेयर करने में शर्माते हैं। मैंने कई बार बताया कि आप लोग अपने व्हाट्सएप के ग्रुप में, चाहे वो कॉलेज का ग्रुप है, कोचिंग का है, स्कूल का है, कहीं का है, कोई गंदी चीज़ तो है नहीं, भेज दीजिए, कोई देखे या ना देखे लेकिन भेज दीजिए, ज़बरदस्ती भेज दीजिए। समझ रहे ना? लेकिन आप लोग करते ही नहीं है। वो भी क्लास में है, अच्छी बात है, यही तो मैं कहता हूँ ना कि उनको भी क्लास में लेके आया करो, मतलब अपने उनको भाई, जिनमें सही चल रहा है माहौल। बाकी तो आजकल लोग सिर्फ काम काम के होते हैं, मतलब निकला कि खिसके। मिक्कू यादव, गुड इवनिंग। अच्छा, कर दिए आप लोग? अभी फटाफट शेयर करके आइए, नहीं तो आगे कहानी नहीं होगी, बंद। जल्दी शेयर करके आइए, अभी कोई सोया नहीं, मुझे पता है, मुझे पता है। इसमें जो जो क्लास में जुड़ा ना, इस अवस्था वाले रात के 3 बजे सोते हैं, उसके पहले नहीं सोते। जल्दी से फटाफट सभी शेयर करके आइए, अब बीच में बोलना पड़ रहा है मुझे, नहीं तो मैं बंद कर रहा हूँ। क्योंकि अगर 100 स्टूडेंट भी नहीं है, 100 भी नहीं है, तो कोई मतलब नहीं भाई, क्यों चिल्लाऊं मैं 1 घंटा? हाँ, अभी जाके आराम से सोऊं, जो मजा है सोने में दुनिया के नहीं किसी कोने में। तो ये टॉपिक हो गए खत्म। अगला, अगर इसमें हम टॉपिक की बात करेंगे, वैसे आज तो नहीं करेंगे क्योंकि आप लोगों ने उम्मीदें सारी तोड़ दिया है। हाँ, कुछ दिन से उम्मीदें टूट रही हैं हर दिन, तो आप लोग शेयर करते नहीं क्लास को। मैंने कई बार कोशिश किया लेकिन नहीं करते तो क्या करें। अगर अगले दिन आप लोग क्लास को शेयर किए रहेंगे और बच्चों की संख्या जुड़ेगी कल ना, तो कल हम कोण यानी एंगल, एंगल के बारे में एक एक पॉइंट बताएंगे। समझ रहे ना? देखो कितना खतरनाक चीज लिखा है, प्रीतिया दौड़ शेयर करके आओ। वाह, बहुत चीज याद आ गया इससे तो भाई। तो आप लोग इसे शेयर जरूर करिएगा, कल सब पढ़ाएंगे इसके आगे, ठीक है? आज की क्लास छोटी ही चलेगी क्योंकि आप लोग की इच्छा नहीं ज्यादा पढ़ने की। हाँ, तो कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं, हमें भी अच्छा लग रहा है अकेले तन्हाई में ही बातचीत करना। चलो सुनो, तो एक क्वेश्चन बताओ छोटा सा, ये बताओ सभी ध्यान से, अगर मैंने लिखा 180 अंश का कोण, तो ये क्या अधिक कोण है? बताइए, क्या ये अधिक कोण है? बोलिए हाँ, यस या नो, ये अधिक कोण है कि नहीं? अनुपम मौर्य, सबसे पहले सरवन जी बताएं भाई। सरवन जी, मैंने कहा था ना कि आपका नाम लकी है लेकिन काम आपका उतना लकी नहीं है, तो आपका तो गलत है। किला, यस, कुछ लोग कंफ्यूजन में जीते हैं, मैंने इसी ले लिखा है। हाँ, ये क्या है, अधिक कोण है? नहीं, ये अधिक कोण नहीं है। आप कहोगे काहे, काहे नहीं है, अधिक कोण काहे नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि जो अधिक कोण होता है वो 91 से स्टार्ट होता है और 179 तक होता है। 180, ये क्या है? स्ट्रेट, स्ट्रेट एंगल है ना। हिंदी में इसे शायद रिजु कोण ऐसा कुछ बोलते हैं।
रिजु कोण है ना ये रिजु कोण है, आदि कोण नहीं है। हाँ, एक महात्मा एक दिन हमसे पूछ रहे थे व्हाट्सएप पे कि बताओ गुरुजी, हमारे मित्र हमें दिखा रहे थे, कह रहे थे, बोल रहे हैं गलत है इसमें कुछ। वो कह रहे थे कि आप कहते हैं 179 अंश का कोण तो अधिक कोण है, लेकिन 180 अंश का कोण अधिक कोण नहीं है। तो उनका ये सवाल था कि 179.2 या 0.5 अगर है तो वो कौन सा कोण है। देखो भैया, यहाँ पे PhD तो हम लोग कर नहीं रहे हैं, समझ रहे हो ना। अगर इतना डीपली हम जाएंगे तो ये सब नींद में आ जाएंगे, हाँ, और हमें भी नहीं अच्छा लगेगा इसमें दिमाग पकाने में। तो ये DLED वाले हैं, BTC वाले हैं, बेसिक मैथ पढ़ रहे हैं एक प्रकार से। आपका जितनी मतलब इतने प्रकार से औकात है यहाँ पे, क्वालिटी मतलब आपको जितना देना है उतने जरूरी है ना। आप एक नदी में प्यास लगी है आपको, आप नदी किनारे खड़े होता, पूरा नदी पानी थोड़ी पी जाओगे, मुंह फैला के वहीं घुस जाओगे। ये मैथमेटिक्स है, इसमें बहुत कुछ है, पूरा नहीं खत्म कर सकते हो आप। आपको जितनी जरूरत है उतने लोगे आप उसमें से, हाँ। तो यहाँ पर हम लोग की इतना ही जरूरत है कि ये समझ जाएं एक एक के अंतराल पे कि 179 तक अधिक कोण है या अधिक कोण नहीं है। अब इसके बीच में अगर घुसोगे तो पॉइंट पॉइंट में बहुत कुछ होता है, समझ में आया ना। तो वो DLED वालों के लिए, या फिर तुम कंपटीशन की भी परीक्षा दोगे तो तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है, अभी कहीं भी ऐसा मिलता नहीं है, समझ में आया ना। तो बस ऐसे लोगों के लिए यही है हमारी तरफ से। भैया हो, हाँ, घर में जितना खाना बनता है अकेले नहीं ढकेल जाते हो, थोड़ा थोड़ा सब लोग को मिलता है ना, जितनी तुम्हारे लिए जरूरत है उतने लो बस। तो बस वैसे यहाँ पर इतना ही जरूरी है, आप लोग समझ गए ना। तो 91 से लेकर के 179 तक जो कोण होता है वो अधिक कोण होता है, 180 का जो होता है वो रिजु कोण होता है, जिसे इंग्लिश में स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। और जो 181 से स्टार्ट होता है वो कौन सा होता भाई? हम तो बोल रहे थे कि पढ़ाएंगे नहीं, लेकिन पढ़ाने लगे, मतलब मजा भी आने लगी। अभी तो मैंने एंगल शुरू नहीं किया, लेकिन अभी मैंने कोण पढ़ाना शुरू नहीं किया है, सिर्फ मैंने एक डेमो दिखाया है, इसीलिए पतले हैं। सही बोला आपने। 180 क्या है? ये एक अलग दिशा में जाता है। जैसे अगर मैं इसको पढ़ाऊं, आज ही पढ़ा दूं क्या? मुझे लग रहा है कि आप लोग शेयर कर रहे हो क्या? कल पढ़ाएंगे एक नए मूड में, अच्छा रहेगा। तो कल इसको स्टार्टिंग से पढ़ाएंगे डिटेल में। देखिए, इसमें कुछ कोण होते हैं जो अद्वितीय होते हैं, मतलब जान रहे हो, अद्वितीय का मतलब जैसे अगर एक अच्छी भाषा में बोले तो जैसे सूर्य चंद्रमा सूर्य चंद्रमा आप मान लीजिए, हाँ, वैसे तो चांद भी, अगर सूर्य भी बोलेंगे तो सूर्य भी एक प्रकार से कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि सूर्य क्या है? एक तारा है, आपको मालूम है ना। एक अलग चीज पे बात करते हैं थोड़ा सा। आप लोग को मालूम है सूर्य भी एक तारा है? जैसे आप लोगों को कहते हैं ना, तुम्हारे लिए मैं चांद तारे तोड़ लाऊंगा, तुम चलो तो मेरे साथ, खिलाता कोई नहीं। सूर्य इतना बड़ा क्यों दिखता है पता है? क्योंकि सूर्य जो है धरती से सबसे ज्यादा नजदीक है, इसलिए इतना बड़ा दिखता है। लेकिन चांद कोई दूसरा नहीं है, एक है, इसलिए लोग चांद के पार जाते हैं, समझ रहे हो ना। कोई कह रहा सब झूठ, अभी बात करेंगे लास्ट में इस टॉपिक पे। आप लोगों को एक दर्द भरी प्रेम कहानी सुनाएंगे हम संडे को, दिल थाम के बैठिएगा, बांध बांध के कस के, हाँ, संडे को सुनाएंगे। हमारे एक दोस्त हैं पंकज जी, उनकी ये बिल्कुल सच्ची कहानी है और काफी करीबी हमारे, तो मुझे मालूम है, मैं बहुत दिन से आपको सुनाने वाला हूँ, उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कहते हैं ना जिंदगी अनुभव बहुत देती है, तो वो सिखाएंगे हम आपको, सुनाएंगे अगले संडे को, लेकिन आज नहीं। चलिए फिलहाल टॉपिक पे चलते हैं। तो हम कोण के बारे में बात कर रहे थे, हमने बोला था अद्वितीय। अद्वितीय वर्ड क्यों बोला था? हर एक वर्ड का मतलब है। देखिए, एक्चुअली कोण में जो हम पढ़ते हैं, पहले जैसे पढ़ेंगे एक ये शून्य कोण, सम कोण और संपूर्ण कोण और रिजु कोण, ये अद्वितीय हैं। ये क्या है? ये अद्वितीय हैं। अद्वितीय का मतलब ये एक का एक ही होते हैं, बस एक का एक होते हैं। जैसे शून्य कोण की अगर बात करें तो शून्य कोण जीरो डिग्री का कोण शून्य कोण होता है। समकोण की बात करें तो 90 डिग्री का कोण समकोण होता है।
संपूर्ण कोण की बात करें तो 360 अंश का कोण संपूर्ण कोण होता है। वैसे तो संपूर्ण कोण बाद में लिखना था, ऋजु कोण पहले लिखना था, लेकिन कोई मतलब नहीं, आप समझ लीजिए। ऋजु कोण यानी स्ट्रेट एंगल की बात करें तो 180 अंश, ये अद्वितीय है, मतलब एक का एक है, डबल नहीं। समझ में आया ना? लेकिन अगर हम न्यून कोण की बात करें या अधिक कोण की बात करें तो भैया इनके एक साथ में अधिक होते हैं, ढेर सारे होते हैं, एक प्रकार से ये बेवफा होते हैं। समझ रहे हो कि नहीं? हाँ, एक साथ में कई चक्कर रहते हैं इनके, बस मतलब से कहते हैं ना। वो मैंने एक दिन बताया था ना, जो लोग दिल के अच्छे होते हैं ना, दिमाग वाले ना, उनसे बहुत अच्छी से खेलते हैं। इसलिए कभी दिल से अच्छे मत बनना, और अगर आप दिल से अच्छे हैं तो दिमाग वालों से दूर रहना, नहीं तो दिल से अच्छे लोगों को दिमाग वाले ना बहुत बुरा पटकते हैं। हाँ, तो बात क्या हो रही थी न्यून कोण, मैंने ये सब क्यों बताया, इसका एक रीजन है। जो भी बातें यहाँ पे हो रही हैं उनका एक रीजन है, अभी बताता हूँ। इनको मैंने कहा अभी कि एक से अधिक होते हैं ना, ये सब एक का एक होते हैं, लेकिन ये बहुत सारे होते हैं। जैसे देखिए, अगर न्यून कोण की बात करें तो 1 डिग्री से स्टार्ट करिए, 1, 2, 5, 9 कुछ भी लेके 89 तक जितने भी हैं, 1, 2 ऑल, ये क्या है? न्यून कोण है। ये सिंगल नहीं है, एक नहीं है, दो नहीं है, ये पूरे पूरे 89 है। कितने हैं? 89 है। और अगर अधिक कोण की बात करें तो इनकी भी कहानी कुछ वैसे ही है, इनकी भी कहानी कुछ वैसे ही है। अधिक कोण ये 91 के बाद स्टार्ट होता है, 179 तक जाता है, ये भी बहुत सारे हैं, ढेर सारे। अगर आप 150 अंश का कोण कहेंगे वो भी अधिक कोण हो गया, 170 अंश का कहेंगे वो भी अधिक कोण हो गया, 110 अंश का कहेंगे वो भी अधिक कोण हो गया। ये ऐसे प्रेमी जोड़े होते हैं ना, जो एक दूसरे खोपड़ी भात रख के भी कसम खाते हैं, भगवान कसम तुम्हारे अलावा हमारी जिंदगी में ना कोई है ना रहेगा। समझ रहे हो कि नहीं? लेकिन सच तो ये होता है कि उनको छोड़ के बाकी जिंदगी में बहुत कोई होता है, हकीकत है ये। बोलो, सही बोला कि नहीं मैंने? सही बोला ना? लोग दुनिया के सामने हंसते हैं लेकिन अंदर में क्या होता है वो उन्हीं को समझ में आता है। यहाँ पे जो लोग दांत निकाल रहे हैं उनको भी पता है क्या तकलीफ है अंदर से बनता है, ठीक है। 90 का कोण बनेगा। हम बात कर रहे हैं एंगल के बारे में, एंगल यानी कोण। कोण क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होगी? दो सरल रेखाएं जिस बिंदु पर मिलती हैं उनमें जो झुकाव होता है उसी को कोण कहते हैं। दो सरल रेखाएं जिस बिंदु पर मिलती हैं उनमें जो झुकाव होता है उसी को कोण कहते हैं। जैसे ये दो सरल रेखा आपस में मिली, इस पे क्या एक झुकाव है जहां पर मिल रहा है ये, या फिर ऐसे भी हम कह सकते हैं एक ये रेखा एक ये है, इसमें भी यहाँ पे झुकाव है। ये किसी भी तरह से कहीं से भी रेखा मिल सकती है, जरूरी नहीं कि वहीं पे मिलेगी, हाँ कहीं भी मिल सकती है। यहाँ पे क्या एंगल बन रहे हैं, यहाँ पे क्या बन रहा, मानते हैं थीटा है, यहाँ पे सभी क्या है कोण बन रहे हैं। जो लोग परिभाषा लिखना चाहें लिख लीजिए, दो सरल रेखाएं जिस बिंदु पर मिलती हैं उनके बीच के झुकाव को कोण कहते हैं, उनके बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। निधि मौर्य, राम लखन, सबको समझ में आ रहा है ना? ठीक है, अच्छी बात है, मैं इसको मिटाता हूँ, आगे बढ़ते हैं। आप लोग ये बताओ भाई कि कोण कितने प्रकार के होते हैं, जरा सोचिए और बताइए कोण कितने प्रकार के होते हैं। शिल्पा केसरवानी की कमेंट आपका आ रहा है, ठीक है। जो छात्र कल वाली क्लास में जुड़े थे उनको पढ़ाया गया था कोण के कुछ अंश, लेकिन मैंने कहा था कि आज मैं एंगल की शुरुआत करूंगा और आज मैं शुरू से पढ़ाऊंगा ना, तो ठीक है, मैंने स्टार्टिंग से ही स्टार्ट किया है। एंगल हो गया, क्या है ये एंगल, आप इसके बारे में समझ गए? सही लिखा हूं ना, ANGLE, बहुत अच्छे भाई। लकी जी ने बताया 7 प्रकार के होते हैं। दिव्या पांडे बता रही कि 4 प्रकार के कोण होते हैं। आकांक्षा भी 5 प्रकार की बता रही, अन्नू 7 प्रकार के। मतलब आप लोग कौन कौन से ग्रह से आए हो भाई? कुछ मंगल से हैं, कुछ चंद्रमा से हैं, कुछ
बृहस्पति शुक्र शनि से भी है, क्योंकि ये सब अलग अलग उत्तर बता रहे हैं। आखिर अगर सही जवाब है तो इकट्ठी होगा ना, अब तो नहीं होगा ना। देखिए हम लोग यहाँ पर कितने प्रकार से होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं उनकी बात नहीं करेंगे, मुख्यतः मेन मेन जो बात करेंगे, जो हम लोग जानते हैं प्रायः पढ़ते हैं, वो 7 प्रकार के, ठीक है। 7 प्रकार के लिखिए, नीचे अगली हेडिंग में डाल दीजिए कोणों के प्रकार। कोणों के प्रकार, ठीक है। पहला होता है न्यून कोण, जिसे इंग्लिश में एक्यूट एंगल बोलते हैं, एक्यूट एंगल। पहले आप लोग लिख लीजिए फटाफट, ठीक है, लिख लीजिए साथ साथ में, लिखते जाइए, क्योंकि ये मैथमेटिक्स है बाबू भैया, ये मैथमेटिक्स है, लिखते जाइए। अगला है राइट एंगल, वैसे पहले लिखिए एब्ट्यूस एंगल, एंगल यानी अधिक कोण। सी वाला लिखिए राइट एंगल, यानी सम कोण। सातों प्रकार के लिख लीजिए फटाफट, ठीक है। देर आर 7 टाइप ऑफ एंगल, बिल्कुल सही, बहुत अच्छे विद्यासागर जी, देर आर 7 टाइप ऑफ एंगल। अगला है स्ट्रेट एंगल, STRAIGHT, स्ट्रेट एंगल, जिसे रिजु कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? रिजु कोण बोलते हैं। ये आपके 4 टाइप के एंगल हो गए, फटाफट लिखते जाइए। अगला 5 वाला है कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल यानी संपूर्ण कोण, संपूर्ण कोण। आपने सुना होगा बहुत सारे कैमरे वगैरह मिलते हैं जो कहते हैं 360 घूमता है, 360 मतलब चारों तरफ। पलक राय, हाँ जी बिल्कुल, कमेंट आपका आ रहा है और गाइज भी आपको देख पा रहे हैं, चलिए आगे बढ़िए। अगला है 0 एंगल, शून्य कोण, और रिफ्लेक्स एंगल। पहले रिफ्लेक्स वाला लिख लीजिए, रिफ्लेक्स एंगल, स्पेलिंग सही लिखा हूं ना, जिसे बोलते हैं बृहत कोण। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? बृहत कोण। और जी यानी 7 वाला है 0 डिग्री एंगल ना, इसे बोलेंगे 0 एंगल। क्या बोलेंगे? 0 एंगल, शून्य कोण। तो ये आपके 7 प्रकार के कोण होते हैं, इनके बारे में कल मैं डेमो दिखा चुका हूँ, आज पूरी पिक्चर दिखाएंगे। माया देवी बिल्कुल 0 लेवल से ही सिखा रहे हैं यहाँ पे। जिन छात्रों को बेसिक मैथ्स ज्वाइन करना है बिल्कुल शुरू से, नीचे स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, उन पे कांटेक्ट करिए, ठीक है। नीचे नंबर चल रहे हैं, आप लोग उन पे संपर्क करिए, आपकी सारी समस्याओं का समाधान बताया जाएगा, जो भी आप जानना चाहते हैं क्लास से संबंधित। चलिए अब हम यहाँ पर डिटेल बात करते हैं साथियों। सबसे पहले अगर हम बात करें एक्यूट एंगल क्या होता है, न्यून कोण क्या होता है, तो ये ऐसे कोण होते हैं जो 90 से कम होते हैं। क्या होते हैं? 90 से कम होते हैं, बस आप इतना जान लो। लेकिन 0 डिग्री से बड़े होते हैं, शून्य कोण से बड़े होते हैं, 90 से अधिक होते हैं, ठीक है। तो जैसे कोई भी एंगल ऐसे भी बना है, अगर ऐसे झुका हुआ है अगर, तो ये क्या है? न्यून कोण है। ऐसे बना है क्या है? न्यून कोण है। ऐसे बना है तब भी क्या? न्यून कोण है। एकदम सीधा लाइन नहीं होना चाहिए, और ना सीधा होके पीछे को भी नहीं झुकनी चाहिए। लेकिन अगर तुम कहो ऐसे हो जाए चाचा, ऐसे, हाँ इधर के बजाय इधर एक झुक जाए, ऐसे होता नहीं है ऐसे, तब अगर इधर वाला कोण कहेंगे तो न्यून कोण नहीं होगा। हाँ अगर इधर को झुकी है लाइन ऐसे, तो हम इधर वाला न्यून कोण कह सकते हैं। ये अगर इसको बी लिख दें, इसको ए लिख दें, तो हमारा बी वाला न्यून कोण हो सकता है, लेकिन ए वाला नहीं हो सकता है, क्योंकि इधर 90 से ज्यादा हो रहा है, उधर 90 से कम हो रहा है। समझ में आया ना? यानी आप कह सकते हो कि 1 से लेकर के 89 डिग्री तक के जो एंगल होते हैं वो न्यून कोण होते हैं।
अब जो लोग इसमें मैथमेटिक्स में पीएचडी करने वाले हैं या बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं उनके लिए नहीं है। अगर तुम ये कहो, क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चों के सवाल आते हैं मैंने देखा है कि भैया गुरु जी 89 वाला तो बता दिए हो कि 89 वाला तक न्यून कोण है, अब आप कहोगे कि 90 से सम कोण है, तो ये बताओ 89.1 89.2 अगर दशमलव में जाएंगे तो कौन सा कोण होगा। तो देखो भाई, यहाँ पे हम इतना डिटेल में अभी नहीं पढ़ा रहे हैं और इसकी जरूरत भी नहीं है, ना कहीं पूछा जाता है। इस पर चर्चा करेंगे तो कहानी लंबी हो जाएगी, फिर ये क्लास बहुत देर में ख़त्म होगी, इसलिए उसको छोड़ दीजिए, जरूरत नहीं है भाई। नीलम यादव जी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, आइए चलिए। अगला है ऑब्टूस एंगल यानी अधिक कोण। अधिक कोण क्या होता है, अधिक कोण क्या होता है जानते हो? ये ऐसे एंगल होते हैं जो 180 से अधिक होते हैं कि नहीं, 180 के अंदर होते हैं। ये 91 से स्टार्ट होते हैं भाई और 179 तक होते हैं चाचा। ये क्या कहलाते हैं, अधिक कोण कहलाते हैं, याद रखना, अभी क्वेश्चन पूछेंगे ढेर सारे, ठीक है? अच्छा, कोई इसमें से दो दो अधिक कोण बताइए। रिजा खान गलत है, तुम्हारा गलत है। आप लोग दो दो अधिक कोण बताइए, सबसे पहला जवाब जो देगा उसका नाम मैं बहुत तेज से लूंगा और उसको एक सरप्राइज भी मिलेगा। चलो प्रभा, दीपक, शिल्पा, 90 से अधिक और 180 से कम, बिल्कुल कमलेश जी करेक्ट। सबसे पहला जवाब जो मैं पूछा हूं उसका कौन देगा भाई? पंकज गौतम बता रहे, बहुत अच्छे पंकज, वेरी गुड। सबसे पहला जवाब है पंकज गौतम का, पंकज बहुत अच्छे, वेरी गुड, ठीक है। और पंकज के बाद बहुत से लोगों ने बताया है, प्रीति, रचना, नेहा गुप्ता, नेहा गौतम, दीपिका पटेल, ठीक है, आप लोग समझ गए। 91 से अधिक, 179 से कम, वो अधिक कोण होता है। यानी अगर हम बात करें कुछ एग्जांपल की, जैसे 95 हो गया, 105 हो गया, 120 डिग्री हो गया, 135 हो गया, 160 अंश हो गया, 150 अंश हो गया, 175 हो गया, 171 हो गया, 178 हो गया, ये सभी क्या है, अधिक कोण है। इनके बीच में और जो भी छूट जा रहे हैं वो सभी भी अधिक कोण है, समझ गए ना? तो ये आप समझ गए, इसमें कुछ बताना नहीं है, आगे अभ्यास प्रश्न होंगे तो आप वहां से क्लियर कर लीजिएगा। अगला साथियों समकोण। समकोण तो सीधी सी बात है, मैंने बताया था कि कुछ एंगल ऐसे होते हैं जो अद्वितीय होते हैं, जैसे उस दिन आपको मैंने वफा और बेवफा के बारे में बताया था ना, जिसे अगर पुराने जमाने से जोड़ें तो पुराने जमाने में होता था एक वर्ड आपने सुना होगा, पतिव्रता नारी। कितने लोग सुने हैं पतिव्रता नारी? पतिव्रता नारी मतलब जानते हो आप, जैसे लोग भगवान का व्रत करते हैं ना, वैसे पहले की जो नारियां हुआ करती थी वो पतिव्रता होती थी। पतिव्रता में कुछ अंश मुझे याद हैं, हाँ मुझे कुछ बातें जो याद हैं कि अपने पति का नाम नहीं लेना चाहिए, उनके खाना खाने के पहले खाना नहीं खाना चाहिए, और झूठ नहीं बोलना चाहिए, धोखा नहीं देना चाहिए, वगैरह वगैरह होता है। लेकिन ये आज के मॉडर्न जमाने पे लागू नहीं होता है, आज के मॉडर्न जमाने पे ये सब होता है, बाकी और कुछ नहीं होता है, समझ रहे हो ना? तो आजकल तो लोग फलाने के नाम लेके बुलाते हैं, वो अलग बात है, क्योंकि लोग बदल रहे हैं, दुनिया बदल रही कहते हैं। तो ये मैंने वर्ड जो अभी बोला इसको क्यों बोला, इस कोण से क्या संबंध है उसका, इस कोण से ये संबंध है, जैसे मैंने कहा था ना कि पतिव्रता में एक है लोक का मतलब आपस में कनेक्शन होता है, संबंध होता है, रिलेशन होता है, ऐसे समझ लीजिए, बाकी उसमें और कोई गुंजाइश नहीं होती किसी और की, समझ रहे हो कि नहीं? तो वैसे इसमें जो चार कोण होते हैं ना आपके, जैसे शून्य कोण और सम कोण, ऋजु कोण और संपूर्ण कोण, इनके एक एक एंगल होते हैं, एक एक एंगल होते हैं। जैसे 90 अंश होता है समकोण, एकट ही होता है, ऐसा नहीं कि समकोण दो चार ठे और होता है, नहीं, समझ रहे हो ना? जैसे मैंने बताया पतिव्रता नारी के एक हस्बैंड होते हैं, एक से अधिक नहीं होते हैं। बाकी मॉडर्न में अब किसी को कुछ कहने में भाई बुरा नहीं मानिएगा, मतलब मेरा समझिएगा, नहीं तो कोई कुछ और मतलब निकाल ले। हा? तो समकोण में सिर्फ एक कोण होता है 90 का, ऋजु कोण में 180 का सिर्फ एक कोण होता है,
जो ऋजु कोण कहलाता है वो एक ही होता है 180 वाला, ऐसा नहीं कि आप 185 को भी ऋजु कोण बोलेंगे, हा? समझ रहे ना, संपूर्ण कोण में एक ही एंगल होता है 360 का, एक से अधिक नहीं होता है। शून्य कोण में भी एक ही एंगल होता है 0 डिग्री का, एक से अधिक नहीं होता है। लेकिन अगर हम न्यून कोण की बात करें या अधिक कोण की बात करें या बृहत कोण की बात करें, तो ये मॉडर्न जमाने के हैं। अब यहाँ पर जहां मैं नारी नारी बोल रहा था, यहाँ पर पुरुष भी हो सकता है, क्यों? पतिवर्ता नारी की जगह पर पत्नीवर्ता पुरुष नहीं हो सकते क्या? हो सकता है, ये भी हो सकता है भाई, हा? तो यहाँ पर सिर्फ एक की बात नहीं हो रही है, सब समान है, इक्वल है, है ना। आइए देखते हैं, तो तीन कोण मैंने ऐसे बताए, जैसे एक बृहत कोण, एक अधिक कोण और एक न्यून कोण। ये एक से अधिक होते हैं, मतलब ये ना तो पत्नीवर्ता होते हैं ना पतिवर्ता होते हैं, ये मॉडर्न जमाने के हैं। मतलब विदेशों का मान लो, जैसे आपको पता है विदेशों में, जैसे अमेरिका हो गया, चाइना हो गया, अन्य देशों में 40% बच्चे बिना शादी के होते हैं, 40% शादी पहले होते हैं, वहां सब कुछ चलता है, इतनी गंदगी होती है ना कि आप सोच नहीं सकते। मतलब बच्चा को पता नहीं होता कि पापा कौन है हमारे, तो ये सब हमारे यहाँ नहीं चलता। हमारा देश शुद्ध है, हमारे देश की संस्कृति ही पूरे विश्व के लोग जानते हैं। यहाँ पर साथ जन्म जन्म का साथ होता है, बातचीत भले ना हो, मार पिटाई रोज होती रहे, लेकिन साथ नहीं छूटता है, है ना। तो हाँ, मेन तीन आपको बताना था, न्यून कोण, अधिक कोण और एक बृहत कोण, यही तीन समझने वाले हैं, बस सिर्फ यही तीन समझने वाले हैं। न्यून कोण में 1 से लेकर के 89 तक के एंगल न्यून कोण होते हैं, अधिक कोण में 91 से लेकर के 179 तक अधिक कोण होते हैं, और बृहत कोण में 181 से लेकर के 359 तक के कोण बृहत कोण होते हैं। क्यों, मैंने सही लिखा कि नहीं? अब 181 से शुरू और 359 पर खत्म, इसके बीच के जितने भी एंगल होंगे सभी बृहत कोण होंगे, रिफ्लेक्स एंगल होंगे। क्या होंगे? रिफ्लेक्स एंगल होंगे। अब ध्यान देना आप लोग और बताना, अगर मैंने लिखा 190 अंश का कोण तो ये क्या है? अगर ये बृहत कोण है तो आप लोग बोलोगे सी, और अगर ये अधिक कोण है तो लिख के बोलोगे बी, लेकिन कोई बी भी नहीं लिखना। चलो बताओ बी या सी क्या क्या होगा? जल्दी करिए फटाफट, बताइए फटाफट, चलिए क्या आएगा? शिल्पा केसरवानी, ठीक है ट्राई करके देखिए फटाफट, चलिए जल्दी जल्दी बताते रहिए, ठीक है ओके। दीपिका पटेल, अनु, कमलेश, पंकज, तो सभी समझ रहे हैं ना, जिनका सी जो बोल रहे हैं उनका सही है, जो लोग सी बोल रहे हैं उनका सही है, और जो लोग बी बी बोल रहे हैं उनका तो बिल्कुल गलत है। मैंने कहा था सिर्फ बी लिखना, बी बी मत लिखना, दोनों में अंतर है ना। तो ये क्या है? बृहत कोण है। 181 से 359 के बीच के जितने भी एंगल हैं वो सभी बृहत कोण हैं। सभी क्या है? बृहत कोण है, जिन्हें इंग्लिश में रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। आप लोग दो दो रिफ्लेक्स एंगल के एग्जाम्पल बताइए। बताइए दो दो बताइए, कोशिश करिए एक बार। हाँ सबसे पहले कौन बता रहा भाई? ये फलनवा की बीबी कौन लिख रहा है? प्रीति, ये लोग पढ़ रहे हैं कि मजा ले रहे हैं? अभी फलनवा की मम्मी भी आ जाएंगी। अनुपम जी बहुत अच्छे, अनुपम जी ने सबसे पहले बताया है, दूसरे नंबर पर क्यूट फिजा खान है, और तीसरे नंबर पर सुप्रिया त्रिपाठी, अकमल, लकी, कमलेश, और कौन है भाई? जल्दी जल्दी बताए रहिए, नितिन, पंकज, अंजलि, अखिलेश, रेखा, ठीक है सही है।
181 से अधिक होना चाहिए, 359 से कम होना चाहिए। अच्छा, अगर ये 359 की जगह पर 360 हो गया तब क्या होगा, 360 अंश का हो गया तब क्या होगा, कौन सा कोण होगा 360 अंश का कोण, जल्दी बताइए क्या हो जाएगा वृत्त। यानी कहाँ कहाँ पैदा हो जाते हैं ये, कंप्लीट एंगल। जी बिल्कुल, बहुत अच्छे भाई दीपेंद्र जी, संपूर्ण कोण क्या हो जाएगा, संपूर्ण कोण। सरिता देवी जी बिल्कुल, बहुत अच्छे, ठीक है। तो आप लोग समझ गए कोण के बारे में, कोण का प्रकार समझ गए। अब इसका जो चैप्टर था ना, ये चैप्टर भी खत्म हो गया 10 वाला, 11 चैप्टर पढ़ना पड़ेगा जिसमें त्रिभुज वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है, त्रिभुज वगैरह पढ़ेंगे अगले चैप्टर में। मुझे नहीं लगता कि इसमें और कुछ बचा है। अच्छा आप लोग वो बताइए, न्यून कोण का 3-3 एग्जांपल बताइए, जल्दी बताइए, न्यून कोण के 3-3 उदाहरण बताइए। कोशिश करिए। अनु शुक्ला बोलो ना, जो लोग यहाँ बोल रहे हैं अभी हम पीटना भी शुरू कर देंगे। अरे ये पागल टाइप के कुछ लोग हैं ना अगल बगल, वही चिल्ला रहे हैं। दीपेंद्र, हार्दिक, 85, ठीक है। मैंने पूछा था न्यून कोण, न्यून कोण मतलब 89 से कम होना चाहिए बस, आप सॉरी 90 से कम ना, 89 तक होना चाहिए, ठीक है। आप लोग सभी समझ गए तो एक बार में एक सुर में बोलिए यस यस यस, सभी समझ गए ना, ठीक है। तो आप लोग कोण समझ गए और रेखा समझ गए, रेखाखंड समझ गए, तल, तलखंड और किरण, और मुझे नहीं लगता कि इसमें और कुछ बचा है। इससे ज्यादा और क्या पढ़ोगे फर्स्ट सेमेस्टर में, हाँ बच्चे की जान लोगे का, अब इतना तो बहुत है, तब फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ लोगे तो अगले में क्या करोगे। तो ये हो गया खत्म, इसमें क्या और बचा है कुछ, सबको समझ में आ गया ना। नहीं क्लास खत्म नहीं हो रही है, रोना नहीं, नहीं नहीं जो लोग मुंह बना रहे हैं रोए नहीं, क्लास खत्म नहीं हो रही, अभी क्लास चल रही है, अभी कुछ ना कुछ होता रहेगा ऐसे। इसके बाद क्या है, त्रिभुज वाला चैप्टर है, वैसे तो हम अगले चैप्टर में घुस ही गए हैं ना। अब क्वेश्चन सुनिए और जवाब दीजिए, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, कान खोल के, पानी वानी डाल लो, तेल वाला गन्ना सुनाई पड़ रहा हो तो सुनिए। पहला ऑप्शन है 180, पहले ऑप्शन लिखूंगा फिर मैं क्वेश्चन पूछूंगा, ध्यान से सुनना। इसमें से आपको कोई एक ऑप्शन करेक्ट सेलेक्ट करना है, दिख रहा है ना ये सबको, दिख रहा है ना। ये बताइए आप सभी लोग कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के दो कोणों का योग कितना होता है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, जल्दी बताइए। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज दो कोणों का योग बताना है। अंजलि वर्मा, रेखा, कमलेश, अनुपम, माया, नितिन, सुप्रिया, पलक, ठीक है कोशिश करिए आप लोग।
अगला क्वेश्चन इसी में आपको जवाब देना है। अब मैं ज्यादा नहीं लिखने वाला हूँ, बताऊंगा भी नहीं अभी, सब बताऊंगा मैं, सब पढ़ाया हूँ भी, क्लियर करूंगा एक एक। सुनिए, आयत का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? आयत मीन्स रेक्टेंगल, अरे ये इधर को चौड़ा होता है, इधर को लंबा होता है। आयत का प्रत्येक एंगल कितने अंश का होता है, जल्दी बताइए। आयत सुनाई तो पड़ रहा है ना, रेक्टेंगल। बहुत अच्छे, वेरी गुड। सबसे पहला जवाब आया है इसमें अगर हम देखें तो क्यूट फिजा खान का, बहुत अच्छे, 90 अंश। स्नेहा सिंह, दीपिका पटेल, सरिता, प्रीति, माया, दीपेंद्र, कमलेश, पंकज, अखिलेश, अंजलि, ठीक है, सही है। कितना? 90 होगा। किसी भी, चाहे वो आयत है या वर्ग है, उनके प्रत्येक एंगल जो होते हैं वो 90-90 के होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन सुनिए, वर्ग की प्रत्येक भुजा क्या होती है? वर्ग यानी स्क्वायर की प्रत्येक भुजा होती है, समान होती है, असमान होती है, बराबर होती है, समांतर होती है, इनमें से कोई नहीं। सोनी यादव, देखिए कुछ लोग नाम के पीछे पड़ जाते हैं, हमारा नाम नहीं ले रहे, हमारा नाम नहीं ले रहे, हम यहाँ भगवान का नाम नहीं जप रहे, देवी देवता नहीं आप लोग। हाँ, जब उत्तर बताते हैं जो लोग पहले उनका नाम बोलते हैं। अब कहो कि हम याद करके आए, ये सब नाम तो हम याद नहीं किए, जिनका नाम हमें पहले दिखता है उनका नाम बोलते हैं। हाँ, वर्ग की प्रत्येक भुजाएं बराबर होती हैं, देखिए ये सब चीज भी आपको आनी चाहिए, नहीं तो फिर कहेंगे कि ये तो सिलेबस में है ही नहीं ना, हे भगवान ही तो बहरे दे दिए। हाँ, ये छोटी छोटी चीजें हैं, अब खाना खा रहे हो तो बर्तन में तो खाओगे ना, हाथ में लेके जमीन पर रख के तो खाओगे नहीं। अब ये थोड़ी कोई बताएगा कि बर्तन में लेके खाओगे, खाना खाना है तो अब तुम खुद ही समझ जाओ बर्तन में खाएंगे। तो वैसे क्या, ये जो चैप्टर है ना, ये जिस पे आधारित है, उनसे रिलेटेड जो फिगर हैं, जो आकृतियां हैं, जो चित्र हैं, उनके बारे में आपको आना चाहिए। ये कहीं लिखा नहीं गया कि इसमें ऐसा होता वैसा होता या फिर इसके बारे में पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन आपको आना चाहिए। तो आयत की भुजाओं में क्या होता खासियत, इनकी सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, सम्मुख बराबर होती हैं बस, सब नहीं, ये आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, अगर ये 7 है तो ये भी 7 है, और ये भी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, अगर ये 3 है तो ये भी 3 है। और जबकि जो दूसरा है जिसके बारे में अभी बात किया मैंने, वर्ग के बारे में, इनकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, ऑल साइड आर इक्वल, सब बराबर होती हैं चारों तरफ से। मैं किसी का नाम लेके नहीं बोला कि आप बोल रहे हैं नाम बोलने को, काहे को परेशान है आप लोग, काहे चिढ़ रहे हैं। हाँ चलिए, अगला क्वेश्चन सुनिए ध्यान से। 90 से अधिक और 180 से कम माप के कोण किस प्रकार के कोण होते हैं, जल्दी बताइए। 90 से अधिक और 180 से कम माप के कोण किस प्रकार के कोण होते हैं? नब्बे से अधिक और 180 से कम, ऑप्शन सुनिए। पहला ऑप्शन है न्यून कोण, दूसरा अधिक कोण, तीसरा सम कोण और चौथा संपूर्ण कोण, पांचवा ऑप्शन भी है बृहत कोण, खुशी के लिए तुम्हारी, चलो जल्दी बताइए से बोलिए। हाँ हाँ बोलिए, जल्दी बोलिए, जब भगवान बुद्धि दे रहे थे तो इनके भूख लगी थी, ये नहीं लिए। बिल्कुल सही, इसमें जो सबसे पहला जवाब आया है, देखिए यहाँ पर एक दो बकलोल टाइप के बैठे हैं, इनके मुंह से आवाज नहीं निकल रही, मुंह में गोबर भरे हैं, 3 बार पूछ रहे थे, 1 बार बोल रहे हैं। यहाँ हमारे जो ऑनलाइन वाले हैं यही अच्छे हैं। कमलेश जी का सबसे पहला जवाब था, कमलेश जी बहुत अच्छे, वेरी गुड। दीपका, नेहा, अच्छा कोई कह रहा सर स्माइल तो कर रहे हैं, मतलब
क्यों भाई, मैंने कहा था कि स्माइल नहीं करेंगे क्या आप? अच्छा, जो बताया था वो हादसा वाला का। चलिए छोड़िए वो सब, जाने दीजिए। तो ये क्या होता है, 90 से अधिक और 180 से कम, चाहे तो ये बोलें और चाहे तो ये सीधा सीधा बोलें कि इतना तक, इतना से इतना तक या इतने के बीच में, ये अधिक कोण होता है। न्यून कोण जो होता है वो 90 से कम होता है, 90 से अधिक नहीं होता है। न्यून कोण केवल 89 तक होता है, मतलब 1 से लेकर के 89 तक न्यून कोण होता है। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन सुनिए, ध्यान से सुनिए और बताते जाइए। देखिए इसमें अभ्यास प्रश्न है। हाँ, 180 अंश के कोण को क्या कहते हैं? 180 अंश के कोण का क्या नाम है? पहला ऑप्शन है संपूर्ण कोण, दूसरा है शून्य कोण, तीसरा है ऋजु कोण और चौथा है वृहत कोण। बताइए रचना, रश्मि सिंह लाइव क्लास के साथ साथ ऑफलाइन में स्टूडेंट क्लास ले रहे हैं। अच्छी बात है, ऑफलाइन में ले रहे हैं, बढ़िया है। चलिए ठीक है, तो आप लोग समझ रहे हैं ना मेरी बात की नहीं? अरे ये स्टूडेंट नहीं है, स्टूडेंट के मम्मी पापा हैं जो यहाँ पे हैं, ये अब स्टूडेंट के काबिल नहीं बचे। चलिए आप लोग समझ गए, मैंने अभी क्या पूछा कि 180 अंश के कोण को क्या बोलते हैं भैया, उसका नाम क्या है? वृहत कोण है, अधिक कोण है, ऋजु कोण है, संपूर्ण कोण है, हो सकता है ऑप्शन बदल गया हो। तो इसका सही जवाब है ऋजु कोण है, जिसे इंग्लिश में स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रेट एंगल, जो सीधा फीदा जाता है। ठीक है, समझ गए ना? एक और बताइए, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी सदैव होती है, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी सदैव होती है, क्या होती है? पहला ऑप्शन है शून्य होती है, दूसरा असमान होती है, तीसरा समान होती है, चौथा ऑप्शन है अनंत होती है। दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती है? शून्य होती है, अनंत होती है, समांतर होती है, समान होती है, समान होती, क्या होती है? सबसे पहला और सही जवाब जो दिए हैं हमारे ऑनलाइन के ही स्टूडेंट, बहुत अच्छे, वेरी गुड। इनका नाम है क्या नाम है भाई इनका? रेखा। बहुत अच्छे, वेरी गुड। दूसरे नंबर पर हैं अनुपम, तीसरे पर हैं योर सक्सेस जिनका नाम है, चौथे पर हैं अंजलि और प्रीति, पांचवें नंबर पर हैं और हम सब के साथ हैं, मतलब हम सब के साथ हैं या नहीं है, इनका नाम है, ये कमेंट आ रहा है नाम से, इन्होंने भी अनंत बताया है। भैया वैसा नाम मत बोलो कि किसी का नाम लेके गाली दे दो, अपना नाम रख लो, अब मैं बोलूं वो नाम तो लोग कहें हमें गाली दे रहे हैं। ठीक है, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती है? हमेशा बराबर होती है। मैंने बताया था कि रेल की पटरी इसका एग्जाम्पल है। हाँ, छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ वो साथी, कल बताया था ना, रेल की पटरी क्या होती है? आपस में कभी भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ती है, कि एक उधर को चली गई, वो उधर को चली गई, रास्ते में लड़ाई हो गई, बवाल हो गया, साथ छोड़ के भाग गए। दोनों पटरी एक जगह से स्टार्ट, जहां से होती हैं, जहां तक एंड होती हैं, सब बराबर दूरी पे साथ ही साथ रहती हैं, है ना, कहीं इधर उधर नहीं होती हैं। तो इनके बीच की दूरियां हमेशा आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं, एक समान होती हैं, ऐसे भी बोल सकते हो आप। तो ये हो गया, मुझे लगता है कि इसमें सब कुछ हो गया है। और भी कुछ सीखना है किसी को? वह रेखा जो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लगातार दिशा बदलती रहती है वो क्या कहलाती है? बताइए, वो रेखा जो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लगातार दिशा बदलती रहती है वो क्या कहलाती है? ज्योमेट्री लेके जाना पड़ेगा एग्जाम में, ले जाना तो गड़बड़ नहीं है, वैसे कोई फिगर बनाने के लिए नहीं आएगा, लेकिन हाँ परीक्षा में ले जाना चाहिए, क्योंकि कोण वगैरह बनाने को पूछा जा सकता है, तो
तो आप लोग परीक्षा में अपना ज्योमेट्री बॉक्स वगैरह लेके जाइएगा, सारे औजार लेकर के उसमें। हाँ पेटर नहीं भर रहा है, कुछ लोग का पढ़ेंगे काहे। ठीक है, बहुत अच्छे। कोई त्रिहत त्रियक बता रहा है, कोई वक्र बता रहा है, कोई कुछ और बता रहा है। भैया इन्हें कर्व बोलते हैं शुद्ध भाषा में। वो रेखा जो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लगातार दिशा बदलती रहती है, मतलब उसका कुछ निश्चित ही नहीं है कि जाना कहाँ है, चले कहाँ से है। अब ज़्यादा कुछ बोलते हैं तो लोग कहते हैं आप पढ़ाते कम, बकवास ज़्यादा करते हो, इसलिए नहीं बोलेंगे। ये ऐसे ऐसे क्या, जिधर को चली जाए, जिधर को मूड बना उधर को गई, तो ये क्या कहलाती है? कर्व रेखा कहलाती है। इसमें मैंने दो चीज बताया था, एक क्लोज कर्व बताया था, एक ओपन कर्व बताया था, बंद वक्र और खुला वक्र। तो बंद वक्र और खुला वक्र में ये अंतर होता है कि अगर वो वक्र जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट दोनों एक ही है, समान है, दोनों समान है तो बंद वक्र होगा, अगर दोनों अलग अलग है तो खुला वक्र होगा। ठीक है, सौरभ त्रिपाठी बहुत अच्छे। तो ये हो गया एक क्वेश्चन और। वैसे इसमें इससे ज्यादा कुछ था नहीं, और 11 भी बज गया, आज क्लास देर में शुरू हुई ना, 10:30 बजे हुई तो आज 11:30 बजे खत्म होगी। बकर बकर मत बोलिए, आप लोग डिस्टर्ब मत करिए और लोग को, ठीक है? चलिए इतना हो गया, नहीं दिख रहा है तो यूट्यूब पे देखिए ना आप लोग। हो गया, मुझे नहीं लगता इसमें कुछ बचा है। हाँ अगला चैप्टर में आप त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। देखिए इस समय कुछ बहुत डिस्टर्ब चल रहा था, जो लोग बोल रहे थे पिछले 10 दिन से कुछ ज़्यादा ही डिस्टर्ब था, बस जिंदगी चल रही थी, आप इतना जान लीजिए। मैंने बताया था पूरी स्टोरी हम आपको संडे को बताएंगे। हाँ क्या बात है, कैसे क्या है, क्या क्या घटना है, सब बताएंगे संडे को। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल दिल थाम के रस्सी उस्सी से बांध के आइएगा। तो ठीक है, मुझे लग रहा है कि बंद किया जाए, हो गया इतना टाइम बहुत है ना, ये चैप्टर खत्म हो गया। कुछ क्वेश्चन अगर पूछ लें आप लोग बता दीजिए तो अच्छी बात है, जो पढ़े हैं थोड़ा रिवीजन कर लीजिए, जाना नहीं भाग के, सुनिए और बताइए। चलिए बताइए, दशमलव में बदलिए, चेंज इनटू डेसिमल, डेसिमल में आपको इसे कन्वर्ट करना है। पहला आप क्वेश्चन है 45%। अब ये रिवीजन है, अलग चीज है, इस चैप्टर से संबंधित नहीं है। 45% को डेसिमल में कैसे चेंज करेंगे, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, ये क्लास रेगुलर सप्ताह में 3 दिन लाइव होती है, मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे। कभी कभी आफत जैसे मुसीबत आ जाती है तो 3 दिन भी नहीं होती है, नहीं तो अगर हम सकुशल रहते हैं तो चलती है 3ों दिन। ठीक है, बता देता हूँ। देखिए इसमें अगर परसेंटेज हटाएंगे तो हमेशा 100 से भाग करेंगे, और जब 100 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 0.45। समझ में आया? सबसे पहला जवाब आया था इसमें दीपिका का, बहुत अच्छे दीपिका जी, वेरी गुड। अनुपम, रश्मि, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन ये बताइए, 17.5%, इसको आप अगर दशमलव में चेंज करेंगे तो क्या आएगा, जल्दी बताइए फटाफट, बुद्धि नहीं काम कर रही क्या? 17.5%, चलिए फटाफट बताइए भाई भाई, फटाफट बताइए। क्वेश्चन नंबर पी मान लीजिए इसको, 0.12, इसको बताइए, आप उसको छोड़िए, इसको परसेंटेज में बदलिए, क्या करिए, परसेंटेज में बदलिए, जल्दी बताइए कितना प्रतिशत आएगा ये।
देखिए परसेंटेज में बदलने के लिए सदैव 100 से मल्टीपल करेंगे, बताया था ना, और अगर चिन्ह हटाना है तो भाग करेंगे। तो भाई सीधी सी बात है, इसे प्रतिशत में बदलेंगे, 100 से गुणा करेंगे तो 0.12, इसको 100 से मल्टीपल करेंगे दिया जाएगा कितना, 12 00 लगा दोगे, दो अंक पे दशमलव, कुल मिला के फाइनल में 12 आएगा। इसका सबसे पहला जवाब आया था दीपिका पटेल, दीपेंद्र यादव। दीपेंद्र जी गलत है, यहाँ पर परसेंटेज नहीं लगाना, यहाँ पर परसेंटेज नहीं लगाना, गलत हो जाएगा। ओहो सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर तो लगाना ही है, वहां पर नहीं लगाना चचा, यहाँ पे हाँ ये सही है, 12%। देखिए जो लोग परसेंटेज का चिन्ह यहाँ नहीं लगाए उनका गलत है। जैसे मैंने उस दिन बताया था ना कि आपकी शादी हो रही है, हाँ, और अब बाराती तो चले गए लेकिन सब लोग जैसे हैं, ना तो आप कुछ टोपी ओपी लगाए हैं, कुछ अलग नहीं दिख रहे हैं, चटक मटक, तो वहाँ दूल्हा कंफ्यूज हो जाएंगे घर वाले कि दूल्हा कौन है बाराती कौन है, समझ रहे हैं ना। तो ये क्वेश्चन लगाए ना आप यहाँ पे, तो इसमें जो आंसर आया है उसमें कुछ उसी रूप में आप लिखोगे जो करना है क्वेश्चन, समझ रहे ना आप लोग, बताया था ना। हाँ बताया था, ठीक है चलिए। तो इस तरह के आप लोग इनको सबको समझ गए। एक छोटा सा और भी प्रश्न है हमारा लास्ट में आप लोगों से, सुनिए। अगर किसी परीक्षा का पूर्णांक 500 है, ये क्वेश्चन मैं पूछा हूँ कई बार आप लोगों से, और इस परीक्षा में कोई बच्चा 360 नंबर नहीं 350 नंबर पाता है, तो बताओ कितना परसेंट नंबर हासिल किया, बताइए। ये मैक्सिमम मार्क्स है किसी एग्जाम का और ये अपटेंट मार्क्स है, तो कितने परसेंट नंबर हासिल किए, जल्दी जवाब दीजिए फटाफट, कितना होगा। 500 पूर्णांक है, 350 नंबर मिल रहा है, कितना परसेंट हुआ, जल्दी बताइए। हो गया, सबसे पहला जवाब आ गया है, उनका नाम है माया गौड़, प्रीति क्रिएशन, क्यूट फिजा खान, रेखा, कितना होगा। नहीं, बुद्धि दे रहे थे भगवान तो इनको भूख लग गई थी, नहीं मालूम है। देखिए मैंने उस दिन बताया था, सिंपल सी बात है, अगर इस तरह के कहीं पूर्णांक और प्राप्तांक आपको दिए हैं, परसेंटेज निकालना है, तो क्या करेंगे भाई, जितना पूर्णांक वो अपटेंट मार्क्स है उसको गुणा करते हैं, किससे, 100 से गुणा करते हैं और पूर्णांक से कर देते हैं भाग, पूर्णांक से भाग कर देते हैं, बस यही करते हैं। 2 0 से 2 0 कट गया, 5 से काट दो, 70% आएगा, कितना आया, 70, 70%। बिना पेन उठाए भी ये लोगों को पता होना चाहिए, छोटी सी बात है। अच्छा एक और बताइए, चलिए जल्दी से फटाफट, बिना पेन उठाए बताइएगा, हम भी बताएंगे बिना पेन उठाए, चलिए बताइए जल्दी करिए, फटाफट करिए। अगर ये पूर्णांक यहाँ पर 600 हो जाए, ये मैक्सिमम मार्क्स, और यहाँ पर जो अपटेंट मार्क्स है ध्यान देना वो 400 हो जाए, अपटेंट मार्क्स, तो वो कितना परसेंट बनेगा। किसी परीक्षा में जिसका पूर्णांक 600 है, कोई बच्चा 400 नंबर हासिल करता है, तो कितने परसेंट नंबर बनेंगे, मामला फंस गया ना। जल्दी करिए फटाफट, नहीं आ रहा है, हो गया। इसे अगर आप लोग जो कंपटीशन वाले इसमें देख रहे हैं अगर वो नहीं बता पा रहे हैं तो उनका तो कुछ नहीं होने वाला, उनका भगवान ही भला करे। बहुत अच्छे बच्चे जो परसेंटेज में कुछ बता रहे हैं, दशमलव में आएगा। देखिए एक्चुअली इसमें कुछ मामला झोल झाल है, हुई है, पूर्णांक तो 400 है, 100 से गुणा करोगे, 600 से भाग करोगे, ये 0 तो कट गया लेकिन ये अटक जा रहा है, ये क्योंकि ये दशमलव में आएगा,
दशमलव में आएगा तो 66.66 समथिंग आ रहा ना। इनको ऐसे भाग दे लो बिना काटे पीटे, 400 को 6 से भाग कर दो, 6×36 घटाने पाया 6, फिर आप क्या करोगे भाई, जीरो उतार लो, क्यों ऐसे तो जाएगा ना, 742 ले जाते ज्यादा हो जाता। इसमें से घटाओगे 4 आएगा, 40 बचेगा, फिर 6×36 फिर आएगा आपका 4। अब दशमलव बढ़ाओगे वही आएगा फाइनल में 66.66%, 66.66%। याद रखना इसको कभी ऐसा नहीं पढ़ेंगे कि 66.66%, क्योंकि ये 66 नहीं है, 66 नहीं है, वो ओनली 66 बोलेंगे क्योंकि वो 1 से भी कम है। ठीक है, लक्की निदेश जंगी रामपुरा पावटरा की धरती से प्रणाम जी, बहुत बहुत प्रणाम, आपको भी नमस्कार। लेकिन अब आप क्लास देखिए, अब आप क्लास देखिए, हो गया आप समझ गए ना, लेकिन इतने में इतना झलवा दिए, ये थोड़ा सा गड़बड़ टाइप का था। ये भाई कॉपी पेस्ट वाले को ब्लॉक करो, ये लोग डंडा करके रखे हैं। एक और बताइए फटाफट, चलिए और बताइए। एक दिन मैंने फिर पूछा था, आज मैं फिर पूछ रहा हूं, कौन सी ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य भी है, बताइए कौन सी ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य भी है, प्राइम नंबर भी है। पढ़ना लिखना तो है ना इन लोग को, मुझे लग रहा है कुछ ऐसे भी है। चलिए फटाफट बताइए, ठीक है, बहुत अच्छे, वेरी गुड, सही जवाब है 2। ठीक है, देखिए जो लोग सवाल करते हैं वन के बारे में, तो वन ना तो भाज्य है ना अभाज्य है भाई, ये कोई भी नियम का पालन नहीं करती है। संख्या वन जो है वो ना भाज्य है ना ही अभाज्य है, कुछ नहीं। तो ये सब रिवीजन हो रहा है एक प्रकार से। अच्छा एक क्वेश्चन और बताइए फिर इसी में, ये सब आपके चैप्टर के ही हैं जो सब हो रहे हैं। इसका आंसर कितना आएगा, जल्दी करिए फट से बताइए। कितना आएगा, जल्दी बताइए कितना आएगा। देखिए दशमलव वाला बहुत आसान होता है, एकदम आसान होता है, जैसे हलवा, आप समझ गए ना कितना आसान, मतलब बिना मेहनत के मिल जाए। देखिए इसमें बिना दशमलव के आप इनको ऐसे मानिए कि 3 है, 12 ही 4 है, गुणा आप कर ही लोगे, 4 × 3 = 12, और 12 × 12 में 144 आएगा, 144 लिख दिया। यहाँ पर एक अंक पर दशमलव था, यहाँ पर 2 अंक पर दशमलव था, 1 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 3, तो फाइनल में 3 अंक पर दशमलव हो जाएगा, 1, 2, 3 यहाँ पर। ठीक है, तो 0.144 आएगा। एक अंक पर ये, 2 अंक पर ये, इन दोनों के जितने जितने अंक है इनको जोड़ लिया जाता है, यहाँ पर 1 अंक पर है और ये 2 अंक पर है, तो 2 ये जोड़ करके 3 बनता है, तो फाइनल में 3 अंक पर दशमलव लगता है। अगर यहाँ पर 3 अंक उपलब्ध नहीं है तो संख्या के बाईं तरफ 0 बढ़ा के 3 अंक बना लिया जाता है। इसमें देखिए कुछ ऐसे ही होगा, ये 12 का गुणा 5 में करेंगे तो 12×5 = 60, ये 60 आ गया, यहाँ पर दशमलव 3 अंक पर है, जरा ध्यान देना, तो जो यहाँ दशमलव लगेगा वो 3 अंक पर लगेगा। अब भैया यहाँ 3 अंक है ये नहीं है तो कैसे लगेगा, यहाँ पर हम एक अंक और बढ़ा लेंगे 0 लगा के, हाँ लेकिन यहाँ ध्यान रहे ये 0 हम इधर साइड नहीं बढ़ा सकते हैं, नहीं तो ये सब अनर्थ हो जाएगा। 0 बढ़ाएंगे लेकिन इधर
संख्या के इधर साइड, और यहाँ लगेगा दशमलव, देखो तीन अंक हो गया। इसको इसके पहले जीरो लगा लेते हैं इसकी इज्जत बचाने के लिए शुरू शुरू में बस। और ये जीरो कहाँ से आता है इसके बारे में बताया था, जब भाग करते हैं अगर वन टाइम नहीं जाता है तो पहले जीरो बार ले जाते हैं फिर दशमलव बार ले जाते हैं, इसलिए आता है। समझ में आया ना सभी को? चैप्टर 11 है, एक नया अध्याय है। तो इसमें है क्या, इस नए अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज, यहाँ पे दिख रहा है ना, इन्हीं सब के बारे में हमें पढ़ना है। ये पढ़ना है, ये पढ़ना है। आप लोग इनके नाम बताओ जल्दी से, पहले फटाफट इनके नाम बताइए, जिनको नहीं आ रहा है वो नो लिख के कमेंट करें, यन ओ नो, बता लेंगे सभी। बता लेंगे ना, चलिए ध्यान दीजिएगा। और इसमें कुछ और भी पढ़ना है, एक और भी है, ये इन चार खतरनाक आकृतियों के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है, क्लियर। चलिए अब एक एक को लेते हैं। सबसे पहले का नाम क्या है भाई? रचना सिंह, गुड इवनिंग। स्नेहा, रोशनी कुमारी, हाँ बताइए। सबसे फर्स्ट का नाम क्या है? त्रिभुज। क्या है भैया सबसे पहले का नाम क्या है? त्रिभुज, त्रिभुज, ट्राइंगल। नाम से स्पष्ट है त्रिभुज, यानी तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। कितनी छोटी सी परिभाषा है ना, तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। जैसे तीन भुजा अगर हम ऐसे भी खींच दें और ये बंद ना हो तो ये त्रिभुज नहीं है। क्या ये त्रिभुज है? नहीं है। अगर ये यहां तक नहीं पहुंचा, बीच में इसमें सड़क मार्ग खुला है, तो ये त्रिभुज नहीं कहा जा सकता। त्रिभुज हमेशा क्या होता है? क्लोज्ड फिगर है, चारों तरफ से बंद होता है, इसमें हवा नहीं घुसनी चाहिए किसी तरफ से। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? तो तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ये हो गया, इसके बारे में हर कोई जानता है, सभी परिचित हैं। तो हम एक एक को पकड़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, फिर दूसरे पे चलेंगे बाद में, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक त्रिभुज है, तो पहले हम त्रिभुज के बारे में ही गहन अध्ययन करेंगे। अब है इसमें दूसरा, त्रिभुज के भेद, यानी काइंड ऑफ ट्राइंगल। इसमें से कोई बताएगा कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? बताइए त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? ये टीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए ही क्लास है। कितने प्रकार के होते हैं भाई? अगर सिर्फ ऐसे बोला जाए कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, तब तो आप लोग तीन नहीं बोल सकते। त्रिभुज की अगर हम भेद करें या कि त्रिभुज के काइंड्स करें, तो त्रिभुज मुख्यतः तो दो प्रकार के होते हैं। एक तो भुजाओं के आधार पर होते हैं, कोणों के आधार पर होते हैं, है ना। त्रिभुज के भेद अगर कहा जाए तो त्रिभुज दो प्रकार से भेद किया जा सकता है, विभाजित किया जा सकता है। सीधा फीधा अगर सिर्फ इतना ही सवाल रहे कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, तो आप इन्हें छह प्रकार के भी बोल सकते हैं, ठीक है। तीन भुजाओं के आधार पर और तीन कोणों के आधार पर, समझ में आया ना? तीन भुजाओं के आधार पर और तीन कोणों के आधार पर। तो आप लिख लीजिए त्रिभुज के भेद, यानी काइंड्स ऑफ ट्राइंगल, हेडिंग लिखिए काइंड्स ऑफ ट्राइंगल। इसमें आप जब लिखेंगे तो पहले इसमें एक हेडलाइन डालेंगे, नंबर एक, भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर, यानी बेस्ड ऑफ साइड, ठीक है। कौन कौन से हैं भाई वो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के हैं? तो सबसे पहला है आपका विषमबाहु त्रिभुज, लिखिए फटाफट, समबाहु ही पहले लिख लो, समबाहु त्रिभुज।
इसमें बहुत कुछ पढ़ना ही नहीं है, आप सभी को बहुत ही आराम से इसके बारे में मालूम होगा कि विषमबाहु या समबाहु या समद्विबाहु त्रिभुज कैसे पहचानते हैं। यानी एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी आल साइड इक्वल होती है, आल साइड इक्वल मतलब तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, वो समबाहु कहलाता है। जैसे ये समझ रहे हो, अगर ये भैया 5 है सेंटीमीटर, चाचा ये भी 5 है सेंटीमीटर, और ये भी क्या है 5 सेंटीमीटर। एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों साइड आपस में क्या है, इक्वल होती हैं, वो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। समबाहु त्रिभुज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कमेंट करके बताओ जरा। क्या बोलते हैं इसे इंग्लिश में? दूसरा है विषमबाहु, क्या है? विषमबाहु त्रिभुज, बताइए। उर्वशी वर्मा, प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी जी, बिल्कुल उर्वशी, बिल्कुल मिल जाएंगी। त्रिवेंद्र जी नंबर दिया है, उस पर कॉन्टेक्ट करिए, आप पढ़ नहीं रहे हो, पिछले 2 घंटे से आप सिर्फ एक बात लिख रहे हो, बस 2 घंटे से। विषमबाहु त्रिभुज देखो भैया, इसका थोड़ा कहानी अलग है, इसकी थोड़ी सी अलग है। वो क्या है, इसकी जो भुजाएं है ना वो सब अलग अलग होती हैं। यानी ऐसे कह सकते हो कि जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं असमान होती हैं, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं असमान होती हैं वो विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। जैसे ऐसे भी कह सकते हैं, हाँ, लेकिन ये समद्विबाहु जैसे बन रहा है तो इसे हम थोड़ा सा और घंचा पैंचा कर देंगे, रुक जाओ एक मिनट। तीनों भुजाएं अलग अलग होनी चाहिए, ठीक है, इक्वालेटरल ट्राइंगल। बता रही हैं आसिता, जी आसिता बहुत अच्छे, हाँ, इक्वालेटरल ट्राइंगल बोलते हैं समबाहु को इंग्लिश में। इसको हम ऐसे खींच सकते हैं, हा? ऐसे, ये सभी भुजाएं आपस में क्या होंगी, अलग अलग होंगी। अगर ये 7 सेंटीमीटर है तो ये 5 सेंटीमीटर हो सकता है, ये 6 सेंटीमीटर हो सकता है, तीनों अलग अलग, ठीक है। अब भैया ये बताओ विषमबाहु त्रिभुज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, विषमबाहु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ये है समद्विबाहु, क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज। मैंने बताया था ना कि भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, स्केलन ट्राइंगल, बहुत अच्छे आशिता जी, वेरी गुड। हाँ, इसको क्या बोलते हैं, विषमबाहु को स्केलन ट्राइंगल बोलते हैं इंग्लिश में, SCALENE वगैरह वगैरह आप लिख लीजिएगा, इतना आप समझदार हैं, ऐसे तो सब हिंदी मीडियम वाले हैं, इन्हें सब मालूम है। नहीं, पेपर इंग्लिश में नहीं आएगा, लेकिन बता इसलिए रहे हैं कि क्योंकि कुछ लोग इसमें अलग भाषा वाले भी हैं। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता भैया, जो अभी मैं बनाया था, एक ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, क्या होती हैं, टू साइड आपस में इक्वल होती है और तीसरी अलग होती है। हाँ, समझ में आया ना भाई साहब? चलो, तो स्केलन ट्राइंगल के बाद में आप पढ़ेंगे समद्विबाहु वाला, ये ऐसे, इसकी अगर ये साइड 6 सेंटीमीटर है, ये भी 6 सेंटीमीटर है, तो ये 4 सेंटीमीटर है, मतलब उससे अलग होगी बस। हार्ड मोटिवेशन, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आप खुद ही मोटिवेशन है। वंदना सिंह, ठीक है, हाँ, तो भाई ये भी बता दो, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? जैसे समबाहु को इक्वालेटरल ट्राइंगल बोलते हैं, विषमबाहु को स्केलन ट्राइंगल बोलते हैं, उसी तरह से समद्विबाहु को क्या बोलते हैं बताइए। कॉमेडी मौज वाले को 9 बजे खोज रहे थे तो 9 बजे नहीं मिले, ये 10 बजे आए। क्या बोलेंगे इंग्लिश में, फट से इसको बना लीजिए, लिख लीजिए, मैं मिटाता हूँ। आइसोसेलस ट्राइंगल, बहुत अच्छे उर्वशी, उर्वशी जी बिल्कुल, वेरी गुड आशिता, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, आइसोसेलस ट्राइंगल। इंग्लिश इसकी बड़ी खतरनाक है, हमारा मुंह उतना साइड को घूम नहीं पाता है जितना साइड इंग्लिश बोलने में लगता है ऐसे। चलो ठीक है, तो ये हो गया आपका त्रिभुज के प्रकार भुजाओं के आधार पर, यानी बेस्ड ऑन साइड्स, साइड्स के अकॉर्डिंग ट्राइंगल के 3 टाइप होते हैं, कौन कौन से, इक्वालेटरल, स्केलन एंड
आइसोसेलेस, ठीक है, शिल्पा केसरवानी जी, बिल्कुल बहुत अच्छे। अब अगला हेडलाइन लिखिए ए के बाद में बी नंबर, कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। देखिए जो पढ़ा रहे हैं ना ऐसे ही, इतना ही सम आपके सिलेबस में है, सिर्फ इतना ही है। जो छात्र बीटीसी यानी डीएलएड का एग्जाम देने वाले हैं, फर्स्ट सेमेस्टर है, उनको सिर्फ इतना ही पढ़ना है। इससे ज्यादा पढ़ लेंगे तो अपच नहीं होगी, फायदा करेगा, लेकिन मत पढ़ना फालतू का। चलो, कोणों के आधार पर, त्रिभुज के प्रकार, कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। अब समझिए कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार कैसे आप अलग अलग करेंगे, बताइए, कोई बताए एनीवन? दिव्या तिवारी, माहिरा पंडित, अनु, समकोण, अधिक कोण, न्यून कोण। अच्छा, चलिए आगे बढ़े, ठीक है, मैं इसको मिटा लेता हूं, एक मिनट थोड़ा सा रुकना। तो इसमें लिख लीजिए आप लोग, कोणों के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं, कोणों के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। देखिए कौन कौन से होते हैं भाई, अधिक कोण, न्यून कोण, और एक कौन होता है, समकोण ना। लिख लीजिए कोणों के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं, कोणों के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। नंबर एक समकोण त्रिभुज, नंबर एक समकोण त्रिभुज। लिखना पड़ेगा क्या, लिखना पड़ेगा क्या? लिख दे रहे हैं भैया, क्या करें, मजबूरी है। समकोण त्रिभुज आपको सिर्फ समझना है बस, हाँ सिर्फ समझना है। समकोण त्रिभुज यानी जिस त्रिभुज का कोई अंतःकोण 90 अंश का होता है, जिस त्रिभुज का कोई एक अंतःकोण 90 अंश का होगा वो क्या कहलाएगा, समकोण त्रिभुज। याद रहे किसी भी समकोण त्रिभुज में सिर्फ एक का कोण 90 अंश का होता है, किसी भी त्रिभुज का एक का कोण 90 हो सकता है, एक से अधिक नहीं हो सकता है। अगर एक से अधिक हो गया तो क्या होगा, कोई बताएगा? चांदनी यादव, रोशनी, सुप्रिया, अफनेहा, दिव्या, शिल्पा, भाई केवल लड़कियां ही पढ़ती हैं का, लड़के लोग पढ़ लिखे पास हो गए पहले ही का, लग तो रहा है सैकड़ों में से सब 90% गर्ल्स ही, बॉयज तो सब गायब है। समकोण त्रिभुज देखिए रीजन बताता हूं, दो कोण 90 इसलिए नहीं हो सकते हैं, जैसे एक मैन में दो तलवार नहीं रह सकती, समझ रहे हो? बाकी कुछ ज्यादा नहीं बोलेंगे, नहीं आप लोग कुछ अलग है मतलब निकाल लेते हैं। एक्चुअली त्रिभुज के तीनों जो कोण होते हैं उनका योगफल 180 होता है, और जब द्वितीय कोण 180 हो जाएंगे तीसरा कहाँ जाएगा, जब दो ही कोण का योगफल 180 हो जाएगा तो तीसरा कहाँ जाएगा, इसलिए दो ही कोण कभी भी किसी भी त्रिभुज में दो कोण 90 का नहीं हो सकते, ठीक है। तो पहले वाले का चित्र आप ऐसे बना सकते हैं, ऐसे ये 90 होगा, ठीक है। परिभाषा लिख लीजिए एक बार फिर से, समकोण त्रिभुज की परिभाषा क्या होती है, एक ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक अंतःकोण 90 अंश का हो, एक ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक अंतःकोण 90 अंश का हो वो समकोण त्रिभुज कहलाता है, क्या कहलाता है, समकोण त्रिभुज कहलाता है, ठीक है भाई। देखो बहुत ज्यादा कमेंट, एक चीज कॉपी पेस्ट ना करो, इन्हें ब्लॉक करिए 5 मिनट के लिए, बहुत ज्यादा परेशान है, कॉपी पेस्ट वालों को ब्लॉक करिए। नंबर चल रहा है आप उस पर कॉन्टेक्ट करिए इंक्वायरी के लिए, यहाँ पे डंडा ना करिए, यहाँ पे ना डंडा करो भाई। चलो अगला क्या है, अधिक कोण, समकोण के बाद एक और भी आता है अधिक कोण,
जैसे अधिक कोण पढ़े हैं वैसे अधिक कोण त्रिभुज भी है। इसे थोड़ा सुंदर सा बना लीजिए, क्योंकि सुंदर लोगों की बात ही अलग होती है। चलिए फिर भी नहीं बना। सही बन जाए यार, काहे बेइज्जती करवा रहा है। चलो अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है देखिए, सीधी सी बात है, अधिक कोण त्रिभुज के बारे में अगर हम बात करें तो जैसे अभी अभी हमने आपको सिर्फ अधिक कोण पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, अधिक कोण पढ़ाया था ना, उसमें क्या बताया था कि वो कोण जो 91 से लेकर 179 के बीच होता है, यानी 179 तक होता है, वो क्या होता है, अधिक कोण होता है ना, बताया था ना। लेकिन क्या इसमें भी ऐसा ही होगा क्या? नहीं, इसमें ऐसा होता है कि जिस त्रिभुज का कोई एक अंतः कोण 90 से बड़ा हो, मतलब इसमें तीन कोण होते हैं ना, तीन कोण होते हैं त्रिभुज में, तो इसमें से कोई एक कोण 90 से बड़ा होना चाहिए। यानी जैसे होता नहीं वो कुर्सी पे आप लोग बैठे हैं ना, एक चेयर होती है नॉर्मल वाली फाइबर की, उस पे लोग सीधा बैठते हैं, एक चेयर होती है जिसपे लोग टेढ़ होके बैठते हैं, इसे झुक के, हाँ लेट भी जाते हैं, तो इस पे लेटा हुआ होना चाहिए एक प्रकार से, समझ रहे हो ना। अगर सीधा सीधा रहेगा तो फिर 90, तब वो अधिक कोण नहीं होगा। यानी हम सीधे शब्दों में बात करें, इनकी हड्डी रीढ़ की तोड़ के इनको ऐसे लटका दे पीछे को, ऐसे ये क्या समझ में आया, ये लाइन एकदम सीधी है, ये एकदम सीधी नहीं है, ये इसे थोड़ा थोड़ा तिरछी है इसे, हाँ यानी ये 90 से अधिक है, ये क्या है 90 से अधिक है, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत कम अंतर जनाई पड़ रहा होगा आप लोगों को। रुक जाओ थोड़ा सा बताता हूँ, एक मिनट। कोई भी एक कोण तीनों में से 90 से अधिक होना चाहिए, तब वो अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। ये लो अब दिखा, अब ये पैर फैला के लेट गए हैं सीधा फिर। अर्चना देवी आया कुछ समझ में? अच्छा किसी के दिमाग में रच्ची भी ना घुसा, बताओ कोई ऐसा है कि जिनको कुछ ना समझ में आया हो, एकदम काला अक्षर भैंस बराबर, कोई है ऐसा, ऐसी महान आत्मा है कोई यहाँ पे? नहीं ना, मुझे उम्मीद है कि हर कोई समझ गया होगा। समकोण त्रिभुज वो होता है जिसमें त्रिभुज के तीनों कोणों में से कोई भी एक कोण 90 का होना चाहिए, कोई भी एक एंगल 90 होना चाहिए, वो समकोण त्रिभुज कहलाता है। इसमें एक चीज और याद रखना है, किसी भी समकोण त्रिभुज में एक से अधिक कोण 90 का नहीं हो सकता है, एक से अधिक कोण 90 का नहीं हो सकता। जैसे हिंदू धर्म में एक हस्बैंड दो वाइफ नहीं रख सकता है, और एक वाइफ दो हस्बैंड नहीं रख सकती, मतलब नियम से, बाकी तो लोग कईयों रखते हैं वो अलग बात है भाई, इसमें कोई होगा तो बुरा नहीं मानना, अपना अपना शौक अपना अपना जिंदगी, उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। तो इसमें वही नियम है, क्योंकि अगर दो कोण 90 हो जाएंगे तो त्रिभुज का नियम खराब हो जाएगा, इसलिए समकोण त्रिभुज में एक से अधिक कोण 90 का नहीं हो सकता है। एग्जाम्पल से समझ रहे हो ना आप लोग, देखिए मजा आई ना थोड़ा बहुत, एग्जाम्पल याद रखोगे तो फिर, हाँ एग्जाम्पल याद रखोगे तो भूलेगा नहीं। हाँ जी आप रख सकते हो बिल्कुल भाई। देखो इसके बारे में बात ना करो, ये तो बड़ी खतरनाक चीजें हैं, इसमें कुछ लोग बन जाते हैं कुछ लोग बिगड़ जाते हैं। ये जो लोग जीएफ बीएफ के बारे में बात कर रहे हैं ना, चेहरे से लोग बहुत ही सीधे साधे मासूम से लगते हैं, लेकिन अंदर में उनके ना, आप कभी झांक के देखना बेहोश हो जाओगे, दिल में क्या भरा है। चलो आगे आगे बढ़े, नेक्स्ट। अधिक कोण के बाद न्यून कोण, न्यून कोण त्रिभुज ये क्या होता है, ये भाई छोटकू है, छोटे सा रहे ये, बताइए जल्दी से न्यून कोण क्या होता है? नहीं, कहानी है नहीं बताना है, बताइए जल्दी करिए। देखिए न्यून कोण में कैसे, इनके तीनों कोण 90 से कम होंगे ना। कोई कह रहा है कि दिल टूटा है, कहानी बताइए भाई, अपना दुख दर्द किसी को नहीं बताना चाहिए, लोग मजा लेते हैं है ना, नहीं अपने तक ही रखे रहो, नहीं वो मेरी बात नहीं है, ये लोग मतलब
बोलो थोड़ा सा समझ लेते हैं ढेर सारा। वो हमारे एक मित्र की कहानी थी जो मैं बताने वाला था, लेकिन मुझे पता था कि आप लोग हमारे खोपड़ी फोड़ेंगे, इसलिए नहीं बताने वाला। बताइए न्यूनकोण क्या, कैसे? चलिए फटाफट फटाफट आप लोग ट्राई करते रहिए। जिस त्रिभुज के तीनों अंताकोण क्रमशः न्यूनकोण हो, मतलब इनके जो तीनों कोण है ना वो सब 90 से कम होने चाहिए। सभी क्या होने चाहिए? 90 से कम होने चाहिए। देखो पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, 100 बच्चों में से सब चाहते हैं कि भाई इनको लव स्टोरी बता दो, दिल टूटने वाली, कैसे टूटा था, हाँ कितना टूटा था, टूटने के बाद लटका था, गिर गया था, हाँ। वास्तव में अगर आप लोग साइंस पढ़े हैं तो दिल उल कभी टूटता नहीं है, जिसका दिल टूटता है वो जिंदगी से चला जाता है, समझ रहे हो? वो कहने की बात है कि पैर में दिल टूटा है, हाँ टूटता उठता नहीं है, ये सब हार्मोन्स का खेल होता है, कभी ज़्यादा स्रावित होता है कभी कम, कभी कोई दूसरा आ गया कभी कोई दूसरा, ये होता है मुख्य रूप से रीजन, साइंस में यही होता है, बाकी टूटता नहीं, समझ रहे हो ना? आज से अब ये मत कहना कि दिल टूटा है, वास्तव में भगवान ना करे कभी टूटे, नहीं तो टूट जाएगा ना, तो फिर बचोगे नहीं। कुछ लोग तो इतने बड़े शातिर होते हैं, कहते हैं भाई एक ठीक दिल तोड़ा था दूसरे का फिर तोड़ दिया, तो तुम्हारा दिल है कि कुछ और है जो बार बार टूट रहा है? तो ये हो गया न्यून कोण, इसमें के तीनों कोण 90 से कम होंगे। क्या होंगे? तीनों 90 से कम होंगे। हाँ सुनाएंगे, हेडफोन लगा के सुनना, बड़ी खतरनाक कहानी है, काफी कुछ सिखाने और सीखने वाली है। संडे को सुनाएंगे फिर, संडे को, ठीक है संडे को सुनाएंगे। अरे मेरी नहीं है यार, मेरे दोस्त की, मेरी नहीं है, हम ऐसी कहानी बनाने मतलब चाहते नहीं बनाना अभी फिलहाल, बताएंगे। चलिए ये मान लीजिए 30 का है, ये 60 का है, ये 85 का है, तीनों 90 से कम होना चाहिए। ये हो गया ना, इसको लिख लीजिए। तो ये आपने पढ़ लिया, क्या है खेल खेल में आपने पढ़ लिया, त्रिभुज क्या होता है? तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं, तीन भुजाओं से घिरी क्लोज्ड फिगर को ट्राइंगल कहते हैं। त्रिभुज मुख्यतः बात करें तो दो कैटेगरी में बांटे जा सकते हैं, पहला कोणों के आधार पर और भुजाओं के आधार पर, ठीक है। कोणों के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं, समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण, राइट एंगल ट्राइंगल, एक्यूट एंगल ट्राइंगल और ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। भुजाओं के आधार पर भी त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं, कौन कौन भाई? भुजा के आधार पर, अरे भाई आइसोसेलस, स्केलन और इक्वलेटरल ना, जिसे बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। कुछ लोग तो बेहोश हो रहे हैं कि सीरियल बदल दिए भाई, पहली बार तो आप पहले समबाहु बताए थे, फिर विषमबाहु बताए थे, फिर समद्विबाहु बताए थे, इनमें सीरियल उरियल से कोनो मतलब नहीं है, आपको तीनों टाइप का लिखना है बस, समझ रहे हो ना? जैसे आपको बताना है कि आप कितने भाई हो, आप 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12 जितने भी हो आपको सबका नाम बता देना, जरूरी थोड़ी सीरियल से बताओ। इसमें कोई है जो 10-20 भाई है इकट्ठे है? नहीं है, हमारे गांव में नहीं, हमारे ग्राम सभा में एक लोग हैं वो 17 भाई हैं। कितने? 1717। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे तब तो सब पंचड़ बना रहे होंगे, नहीं, एक से एक, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई मास्टर है, कोई मतलब काफी अच्छी अच्छी मतलब पोस्ट पर है और काफा मतलब तरक्की की है काफी अच्छी, समझ रहे ना? तो ये डिपेंड करता है आपके काम और सिस्टम पर कि भाई जो 17 लड़के पैदा कर सकता है वो 17 को मैनेज कर सकता है अगर, तो बड़ी बात है। कुछ लोग 2 या 3 रहते हैं, परेशान रहते हैं, तो ये गार्जियन पे डिपेंड करता है। हाँ तो ये सब खत्म हो गया टॉपिक, इतना ही तो था ना? हाँ हमें ठंडी लग रही है भाई, क्या करें, हमें शर्म वरम नहीं लगती है, हमें लग रही तो हम पहने हैं, और जिनको तकलीफ हो रही हो ना पहने निकाल दें, हमें क्या जाता है। ये त्रिभुज का हो गया खत्म, इसके बाद है त्रिभुज का क्षेत्रफल, फार्मूला आप लोग लिख लीजिए, इसके बाद हम क्वेश्चन करवाएंगे, सूत्र लिखिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल जब समकोण त्रिभुज हो, लिखिए त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र ऊपर लिखिए,
त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र। फटाफट लिखिए जल्दी से, इनका काम लगेगा, अभी हम क्वेश्चन करवाएंगे तो भाई ईमानदारी से पढ़ रहे हो तो लिख लो। लिखिए, जब समकोण त्रिभुज हो, पहला जब त्रिभुज समकोण हो, सूत्र अलग अलग होता है, जब समकोण हो तो अलग होगा। अब लिखिए क्षेत्रफल बराबर यानी एरिया इक्वल हाफ बेस इनटू परपेंडिकुलर, इसे हम ऐसे कह सकते हैं। आधार टू क्या होता भाई, लंब की भुजा, मतलब लंब। ये है समकोण त्रिभुज, अगर दिया है तो उसका क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला। ठीक है, आगे बढ़े। देखिए आप लोग क्लास को लाइक नहीं कर रहे हैं, क्यों, क्या चाहिए बताइए, पानी वानी पिलाया जाए? अब सभी फटाफट क्लास को लाइक करिए, और जितने भी नए साथी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसकी बैटरी लो हो गई है, टिन टिन कर रहा है, मैं बैटरी चेंज कर लेता हूँ। तब तक आप लोग फटाफट लाइक कर दीजिए जल्दी से, इसकी बैटरी बदल देता हूँ, नहीं आवाज नहीं आएगी अभी, बस आधा मिनट भागना नहीं कोई। आया मैं आया, थोड़ा सा रुक जाना, अभी चल रहा है ये, ए रुक जा। ठीक है, तो थोड़ा सा रुक जाइए, मैं बैटरी चेंज कर देता हूँ। और लिखिए दूसरा, त्रिभुज का क्षेत्रफल जब त्रिभुज की तीन भुजाएं दी गई हों, क्या, कौन बोल रहा है ये समझ में नहीं आ रहा, मतलब हिंदी वर्जन भाई, क्या हिंदी इसमें, क्या इंग्लिश, मैं तो दोनों बोल रहा हूं ना। जिनको हिंदी नहीं समझ में आ रहा, उनको कहा तो मैंने लिखी है ना, एरिया इक्वल हाफ बेस इंटू परपेंडिकुलर, एरिया इक्वल हाफ बेस इंटू परपेंडिकुलर, इंग्लिश में ऐसे ही तो बोलेंगे। दूसरा लिखिए, जब त्रिभुज की तीन भुजाएं दी हों, ये पहली कंडीशन है, जब त्रिभुज समकोण हो, जब त्रिभुज की तीन भुजाएं दी हों, जब त्रिभुज की तीन भुजाएं दी हों तो इसमें बहुत कुछ भुजाना पड़ता है। ठीक है, वो क्या करना पड़ता है, लिखिए, जब त्रिभुज की तीन भुजाएं दी गई हों तब इसमें एक काम करना पड़ता है, पता है, पहले इसका हम परिमाप निकालते हैं। ओके, मतलब अर्ध परिमाप निकालते हैं, और अर्ध परिमाप निकालने के बाद तब हम इसका आगे फार्मूला लगाते हैं। देखिए, माना त्रिभुज की तीन भुजाएं ए बी सी हैं तथा 2s इसका परिमाप है, लिख लीजिए, माना त्रिभुज की तीन भुजाएं, ये हम ए बी सी मान रहे हैं, आप इनको एक्स वाई जेड भी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, तीन भुजाएं, क्योंकि हमें फार्मूला बनाना है इसलिए कुछ ना कुछ रखना पड़ेगा। ठीक है, ए बी सी है तथा परिमाप 2s है, ये यस है, यस फार क्या होता भाई, यस फार स्लीप, ठीक है, यस है, यस, ओके, समझना, आगे कहानी समझते जाना, ये हो गया। तब लिखिए s इक्वल हाफ ए प्लस बी प्लस सी, ये क्या है मालूम है आपको, ये फार्मूला नहीं है, ये अर्ध परिमाप आता है पहले, ये पहले अर्ध परिमाप आता है, फिर क्षेत्रफल बराबर सूत्र अभी लिख रहा हूं अलग, इसको लिख लीजिए फटाफट, लिख लीजिए, इतना लिखने के बाद में हमारे में जगह नहीं इसलिए बगल में लिख रहा हूं, आपके पास जगह मैदान खाली है नीचे लिख लेना। देखो क्षेत्रफल बराबर, देखिए क्षेत्रफल बराबर, इसमें लगता है कौन सा, वो हीरोइन क्या बोलते हैं उसे, फार्मूला,
हीरोन फार्मूला पढ़े हो कि नहीं? हाँ, अरे हीरोइन नहीं बोल रहे, समझो। इसमें ऐसे होता है, अंडर रूट यस यस माइनस ए इंटू, सब इंटू में रहता है ना, गुड़ा गुड़ा में, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये सूत्र होता है जब तीन भुजाएं दी गई हो, जहां यस का मान ये होता है जो यहाँ पे मिलता है, यानी पहले अर्धपरिमाप निकालते हैं फिर उसको इसमें ला के रखते हैं। तो जब त्रिभुज की तीन भुजाएं दी गई हो तो इन सबको मिला के हम करते हैं। आपको समझ में आ रही ना मेरी बातें? भाई माहिरा पंडित जी, आप क्या करना चाहती हो? पता नहीं आप चाहती हो कि चाहते हो, मुझे ये भी तो नहीं पता है, लेकिन कमेंट आपका बड़ा धुआंधार आ रहा है। थोड़ा सब्र बना के रखिए और लोगों को भी मौका दीजिए। चलिए लिख लिए, अगले पे चलें। अभी हम इन पे प्रश्न भी करवाएंगे, तो फिर ये ना पूछना कि ये सूत्र कहाँ से आया, पूछना मत। फार्मूले इसलिए अभी करवा दे रहे हैं, अभी जब सवाल करवाएंगे तो फिर हम सूत्र नहीं लिखवाएंगे, याद रखना। इतना देर जब आवाज नहीं आ रही थी तो ये कौनो प्रीतिया को बुला रहा है, कौनो पूजवा बुला रहा है, कौनो कुछ दूसरा कमेंट कर रहा है, मतलब जो मेन प्रॉब्लम है उससे कोई मतलब नहीं है। नहीं, इनको कोई मतलब नहीं उससे। सुप्रिया बोल रही कि हम एक ही जगह खड़े हैं। अच्छा, हम एक ही जगह खड़े हैं, आप लोग तो बात करते करते पता नहीं कहाँ पहुंच गए हो। तो फिर भी आज वैसे भी डिस्टर्ब हो गया, अब आगे नहीं पढ़ाएंगे, आवाज आ गई, अच्छी बात है। ये पता नहीं क्या इसमें टेक्निकल बीमारी आ गई थी। आपने क्या पढ़ा? ये पाइथागोरस प्रमेय पढ़ लिया, खूब बात कर रहे थे, मैं सबका कमेंट देख रहा था, अंदर ही अंदर गुस्सा लग रही थी क्योंकि ये कुछ टेक्निकल इशू हो गया था, छोड़ दिया था। ठीक है, ये हो गया। हाँ, तो पाइथागोरस प्रमेय हम आपको बता रहे थे कि भैया वो एक जो समकोण त्रिभुज होता है जिस पे 90 बनता है उसके जस्ट सामने की भुजा कर्ण कहलाती है, बाकी बची हुई भुजाएं बदलती रहती हैं। जिस पर कोण बनता है, यानी इसके मान लो यहाँ एंगल बना तो इसके सामने की भुजा लंब हो जाती है और ये नीचे आधार हो जाती है। अगर ये एंगल यहाँ बनेगा तो ये लंब हो जाएगी, ये आधार हो जाएगी, ओ सॉरी, ये आधार हो जाएगी, ये लंब हो जाएगी, बदल जाएगा। ठीक है, समझ में आया ना? तो अगर ऐसी कंडीशन होती है जैसे यहाँ पर दिया गया है, इनके नाम आप कुछ भी लिख सकते हो, तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण का जो होल स्क्वायर होता है वो आधार का स्क्वायर धन लंब के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। ठीक है, इसको लिख लीजिए। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखिए, एक और फार्मूला लिखिए, लास्ट है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब सूत्र हो गए,
समबाहु। ए भाई रुक जा, तू ना बोल अब तो, अब मार भी खा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये अलग तरह का होता है, अंडर रूट 3/4 और फिर भुजा का स्क्वायर, ठीक है, भुजा का होल स्क्वायर, ये होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र। तो साथियों ये इतने आपके छोटे छोटे प्रश्नों के लिए फार्मूले हो गए, और मुझे लगता है कि इसमें क्वेश्चन करवाने चाहिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल के सूत्र के बाद में इसके कुछ क्वेश्चन भी करवाने जरूरी हैं, मुझे लग रहा है। जी करवा दें, का करवा देते हैं। लिखिए, अगर किसी त्रिभुज की तीन भुजाएं दी गई हैं तो आप लोग क्या उनका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, बताइए, निकाल लेंगे। लिखिए, एक त्रिभुज की तीन भुजाएं 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर हैं। एक त्रिभुज की तीन भुजाएं 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या करिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए, बताइए। देखिए, बहुत से स्टूडेंट्स सवाल करते हैं कि जब वो फोन या मैसेज करते हैं तो हम उनका रिप्लाई नहीं दे पाते, कोई और करता है ना। तो हम आपको बता दें, अगर आप लोग रात 11 से 12 बजे के बीच मैसेज करते हैं व्हाट्सएप पे, तो हम उसका रिप्लाई 1 घंटा करते हैं, ठीक है। ये 94-55-63-38-37, स्टडी से संबंधित कोई प्रकार का अगर आप व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे रात में 11 से 12 बजे के बीच में, तो हम उसको रिप्लाई करते हैं। लेकिन विनम्र निवेदन है कि वीडियो कॉल या ऑडियो कॉल ना करें, क्योंकि फोन कॉल हम नहीं उठाते हैं, समझ रहे ना आप, ये बात याद रखना। कैमरे की बैटरी लो हो गई है, तो आप लोग इस पे जो मैंने बताया अपनी स्टडी से रिलेटेड बातें आप भेज सकते हैं, और उसको रिप्लाई मिलेगा जल्दी से जल्दी, ठीक है, क्लास खत्म होने के बाद में। क्योंकि मैंने देखा ये प्रॉब्लम बहुत लोगों की थी, आती थी कि हम नहीं रिप्लाई करते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन मैंने ये दिया कुछ इस तरह से, ये 13 सेंटीमीटर है, ये 14 है, ये 15 है, इनका क्या करना है भाई, इनका क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। अन्नू शुक्ला का आंसर आ गया, बहुत अच्छे अन्नू जी, वेरी गुड। तो मैं तरीका बता दूं, आप लोग कर लोगे ना, तरीका बता दूं कर लोगे ना। तो सबसे पहले इसको हमें क्या करना है, हमें ये निकालना है, यस यस इक्वल 1/2 ए धन बी धन सी। अभी अभी जब फार्मूला लिखवाया था तो आपने देखा था ना, देखा था ना, आपको प्रॉब्लम फिर से आ गई क्या, नहीं ना, सब सही चल रहा है ना, ठीक है। तो इसमें सारे मान आप लोग रख दीजिए फटाफट, 1/2, ये 13, 14 और 15 जोड़ दीजिए सबको, सबको आप जोड़ देंगे तो आप सबको पता है 42 आएगा समथिंग, 42/2 आएगा, बराबर 21 आएगा, यानी हमें जो यस का मान मिला कितना मिला, 21 मिल गया। और फिर क्या करेंगे, फिर वो फार्मूला लगा देंगे क्षेत्रफल वाला, कौन सा क्षेत्रफल वाला सूत्र लगा देंगे, अंडर रूट यस यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी। यस का मान आ गया है 21, यहां 21 रखोगे, ए इसको मान लो, बी इसको मान लो, सी उसको मान लो, सारे मान रख के निकाल लेना, 84 आएगा, कितना आएगा, 84 आएगा। याद रखिए, अगर हमें क्षेत्रफल निकालना है तो हम वर्ग इकाई जरूर लिखेंगे, अगर ये सेंटीमीटर में दिया है तो उत्तर वर्ग सेंटीमीटर आएगा, अगर मीटर में है तो वर्ग मीटर, जो भी रहेगा वर्ग में रहेगा, ठीक है, समझ में आया ना। तो आज की क्लास का टाइम ओवर हो रहा है, क्लास यहीं पर बंद होगी। क्लास के बारे में किसी को कुछ जानना है तो बताइए जल्दी से, जल्दी कमेंट करिए, अगर क्लास के बारे में कुछ जानना है तो बोलिए। नीचे स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, उन पर इंक्वायरी कर सकते हैं क्लास के बारे में, हमारे साथी लोग आपके सभी क्लास से संबंधित डाउट्स का समाधान करेंगे।
जो लोग काफी परेशान रहते हैं, मैंने उनकी भी समस्या का एक और नया सलूशन खोजा है कि जो लोग चाहते हैं मुझी से बात करना है, तो रात के 10 सॉरी क्लास के बाद यानी 11 से 12 बजे के बीच में अगर आप इस नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज करते हैं तो आपको रिप्लाई हम खुद देंगे, ठीक है, कोई दूसरा नहीं देखेगा, ठीक है। तो आप लोग क्लास से संबंधित कोई प्रकार की जानकारी लेना चाहते हैं तो उस पर पूछ सकते हैं, लेकिन थोड़े शब्दों में, ऐसा नहीं कि लग जाओ भैया 12 बजे चैटिंग करते रहो तो हम नहीं कर पाएंगे इतना, सॉरी, ठीक है। चलते हैं फिर, बहुत बहुत धन्यवाद। ये क्लास रोज होती है, सोमवार मंगलवार और बुधवार को रात 10 से 11 बजे के बीच होती है, और बाकी अगले 3 दिन रिवीजन होता है, बाकी अगले नेक्स्ट 3 दिन क्या होता है, रिवीजन होता है। अरुण यादव जी बहुत बहुत धन्यवाद, गुड नाइट सुप्रिया जी, गुड नाइट उर्वशी जी, गुड नाइट रीमा, गुड नाइट और पवन कुमार जी, गुड नाइट गौतम पटेल जी, गुड नाइट फिजा खान, गुड नाइट प्रीति क्रिएशन, रेशमा, सभी को गुड नाइट। चलते हैं फिर, बहुत बहुत थैंक यू आप सभी को, दिल से धन्यवाद। कल की क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा जिससे कि अधिक से अधिक कैंडिडेट जुड़ सकें, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा साथी जुड़ेंगे।